हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। अंतिम युद्ध 3.0 तो खत्म हुआ। 2-3 दिनों का मैंने गैप लिया और तुम्हारे लिए बहुत शानदार चीज आज लेकर आया हूं, आखिरी जंग। ये तो अभी फिलहाल क्लास 11th की है आज, जिसमें आज क्लास 11th की पूरी बायोलॉजी को एक अलग तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। फिर कल की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन। हाँ, आज भाई स्वागत है सबका। आज के इस सेशन में सबका स्वागत है। आ गए सब लोग। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो आज का सेशन क्या करने वाले हैं, कैसे होने वाला है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, सुनो, पहले थोड़ा सा बातें कर लें 1 से 2 मिनट, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, करीब करीब 3 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं। एक तो आज का दिन लगभग चला ही गया, तो 3 आज जो हम लोग सेशन ले रहे हैं, 4, 5 और 6। 7 को कोई क्लास हो नहीं पाएगी, 7 को तुम्हारी एग्जाम है 2 बजे से। तो 3, 4, 5, 6, टोटल ये 4 दिनों का टाइम है हमारे पास, मतलब 4 सेशन का टाइम है हमारे पास। ठीक है। अब सुनो, ये लास्ट का टाइम है, मैं पूरी बायोलॉजी को एक बार फिर से एनसीईआरटी से लेकर चलूं, वो बड़ा मुश्किल वाला काम है ना। 10 घंटे 11 घंटे बैठे हैं, पूरी एनसीईआरटी कवर करें, वो तुम काफी अब एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी 5 मिनट में खत्म करना अब आ चुका होगा कि 5 से 10 मिनट में कैसे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। मैंने क्या किया है, पूरी बायोलॉजी के जो बड़े अच्छे अच्छे 400 करीब करीब कॉन्सेप्ट हैं, उनको 4 दिनों में लेने का मैंने टारगेट किया है, कि वो 400 कॉन्सेप्ट में से ज्यादातर चांसेस हैं कि हम लोग इन 4 दिनों में अगर वो 400 तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, सारे टाइप के, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, आज तुम देखोगे आज के इसमें। ठीक है। तो 400 कॉन्सेप्ट में करीब करीब पूरी बायोलॉजी आ जाए और हमारा एक रिवीजन भी हो जाए, और हर एक क्वेश्चन के साथ हमें एनसीईआरटी का भी रिव्यू मिले, साथ में एनसीईआरटी भी है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट के नजरिए से देखेंगे। ये नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया काम हो गया, ऐसा नहीं। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कहां से ली गई है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो नीट में आने के पूरे चांसेस हैं, जो 4 दिनों के बाद तुम्हारा पेपर है। जब तुम पेपर देकर लौटोगे, तुम्हें लगेगा कि ये सब क्वेश्चन तो मैंने 3-4 दिन पहले ही प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। तो बस इस सेशन को तुम्हें सीरियसली देखना है, समझ गया ना। ये 400 कॉन्सेप्ट में पूरी की पूरी बायोलॉजी यहां पे है, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा भी था, तुमसे फीडबैक लिया था मैंने, तो काफी सारे बच्चों का था भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाओ, काफी का था पूरी एनसीईआरटी को करवाओ। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करवाऊं। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करवाता हूं कि दोनों तरह से बेनिफिट हो, क्वेश्चन के भी नजरिए से बेनिफिट हो और एनसीईआरटी के नजरिए से भी बेनिफिट हो। समझ गया ना क्या हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग यही ओवरऑल करने वाले हैं। ठीक है। हाँ भाई, देखो, अब काफी सारे लोग समरी की बात कर रहे हैं। समरी का एक अलग हाइप क्रिएट किया गया है मार्केट में। मैं मानता हूं समरी में कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो नहीं है पूरे टेक्स्ट बुक में, लेकिन हर एक चैप्टर का समरी में एक या दो लाइन ऐसा है, तो कुल मिलाकर ऐसे 38 से 40 लाइन है। तो ऐसा नहीं एग्जामिनर का फोकस वहीं पे जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है समरी से क्वेश्चन नहीं आया, टेस्ट सीरीज में तुमने देखा होगा, लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड है नीट का कि समरी से क्वेश्चन नहीं आया। हम लोग सेफ साइड चलेंगे, समरी एक बार पढ़ लेना चाहिए, एक दो लाइनें हैं उसको जरा पढ़ लेना। ठीक है। हाँ, अब जहां तक बात रही है स्पेशल क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो स्पेशल क्लास भी करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पोल में करने से ज्यादा क्या जरूरी है कि हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझें। तुम 5 मिनट दो, बस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज का सेशन कैसा जा रहा है। समझ गया ना बात को। बस तुम पूरा फोकस रखो यहां पर। ठीक है। चलो, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। तुमने पूरा 1 साल दिया है। अब 1 साल तुमने कैसा दिया है वो सारा का सारा 7th में को रिफ्लेक्ट होगा।
अगर तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है सेवेंथ में के लिए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेहनत जिसके अकॉर्डिंग की उसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे, कोई जादू वगैरह नहीं होता भाई वहां पे, तुम्हें भी पता है ये चीज। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि लास्ट के 3 से 4 दिनों में अगर तुम्हारे बायोलॉजी में 250 नंबर आ रहे थे, तो मैं इतनी कोशिश कर सकता हूं तुमको 300 नंबर तक पहुंचाने की। अगर अभी तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं तो 340 तक तुम जा सकते हो। वो मैं तरीके तुम्हें बता दूंगा कि हाँ एनसीईआरटी की ये चीजों को कैसे कवर करते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो बस ये काम करना है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि हर एक चैप्टर में आप क्या क्या पॉइंटों को पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो शुरुआत किया जाए। हाँ भाई, पहले तो तुम अटेंडेंस लगाओ, वहां पे एक लाइक का बटन होगा, उससे अटेंडेंस चेक करते हैं कि क्लास में जोश है या नहीं है, ठीक है। चलो, एक बगल में कॉपी भी खोल सकते हो, कॉपी में आराम से तुम लिख सकते हो कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, किस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और प्लस साथ में आंसर भी कमेंट में बताते चलोगे, ठीक है। माइंड में ये रखना, सिर्फ हम लोग ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, 100 मैं लेकर आया हूं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डेली 100-100 करेंगे रात को। सिर्फ 100 मैं नहीं लेकर आया हूं, ये पूरे 100 कॉन्सेप्ट हैं, इनमें से तो मानकर चलो आज के कॉन्सेप्ट में से 15-20 तो फंसेंगे ही फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो बात को जरा समझो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। और उसके पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री हो चुका है। 1 हफ्ते का अनअकैडमी पे फ्री ट्रायल है, 1st से 3rd मई तक का ये ट्रायल है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे भी रखा है। तो 1 हफ्ते के लिए पूरी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री है, जैसे तुम्हारे लिए नेटफ्लिक्स फ्री कर दिया जाए 1 हफ्ते के लिए, बिल्कुल कुछ वैसा ही है द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। 1 हफ्ते के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे चीज चाहिए, मुझे चीज नहीं चाहिए, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो बच्चे 7th मई को एग्जाम देने वाले हैं। तुम कोई भी टॉपिक को जाकर सर्च करोगे, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो चीजों को डिटेल में तुम समझ सकते हो। और इसको फ्री ट्रायल लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है ना। तो ये काम तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बात और बता दूं, ये लास्ट के जो 4 दिन हैं, 3, 4, 5, 6, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही अटेंड करें। जो बच्चे सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर, वो नहीं बिल्कुल कि मजे में एग्जाम ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, नहीं होगा सिलेक्शन तो क्या बात, अगले साल फ्री ड्रॉप ले लेंगे, वो माइंडसेट के साथ जो बच्चे हैं वो आराम से चद्दर ताने, ठीक है, आराम से सोएं, बिल्कुल 4 दिन बिल्कुल रिलैक्स, माइंड भी सही से काम करेगा 7th मई को। लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं वो पूरी तरीके से सेशन को अटेंड करना, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमें 120 मिनट का टाइम चाहिए, तो 2.5 घंटे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। कौन से किंगडम की जो बाउंड्री है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब उस किंगडम में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है। तो हम बात किसकी करेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में। आंसर आना चाहिए कमेंट में, आंसर आना चाहिए कमेंट में, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है डी, मतलब कौन से किंगडम का बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तुम देख सकते हो एनसीईआरटी कहती है यहां पर कि इस किंगडम का बाउंड्री जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। देखो किंगडम प्रोटिस्टा, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं, उनकी बाउंड्रीज जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन बना था कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो कौन से किंगडम में प्लेस किए जाएंगे, तो प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, इग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन किस में रखोगे, प्रोटिस्टा में। और यही एक ऐसा इकलौता किंगडम है जिसके रिश्ते प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ भी हैं। ये जो क्राइसोफाइट तुम देखते हो ना ये प्लांट है, डायनोफ्लैजेलेट्स जो तुम देखते हो ये भी प्लांट जैसे फीचर रखता है, इग्लिनोइड्स के फीचर तो प्लांट और एनिमल दोनों जैसे हैं, स्लाइम मोल्ड्स के फीचर फंजाई जैसे हैं और प्रोटोजोन्स के फीचर एनिमल जैसे हैं। रिश्ता हो गया ना प्लांट, एनिमल और फंजाई के जैसा। तो ये बात हमें बस यहां पर याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिक सी बात हो गई किंगडम प्रोटिस्टा का, ये अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात बताना, फॉल्स फंजाई किसको बोलोगे,
टोटल पांच चीजें आ रही हैं इसमें, तो क्या स्लाइम मॉल्ड्स को बुला दें कि ये फॉल्स फंजाई है? और पहला ऐसा किंगडम था जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी। एसेक्सुअल तो पहले भी था मोनरा में, लेकिन सेक्सुअल का आना पहली बार किंगडम प्रोटिस्टा में स्टार्ट हुआ था। और ये तुम लाइन भूलोगे क्या कभी, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ये तो याद ही रखना है तुम्हें, है ना। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। विटैकर बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स को अलग अलग किंगडम में उन्होंने प्लेस किया, वो कौन सी चीजें यहां पर है? ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो एक बात तो पक्की है कि फंजाई तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। आंसर जाएगा टू, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांटी। ये बातें बेसिक सी हैं, ये सबको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं जरा एनसीईआरटी में, बात को समझना जरा। अब यहां पे आ जाओ, ये देखो, क्या ये ऑटोट्रॉफिक है? मोनेरा अपना खाना खुद बना रहा है, प्रोटिस्टा की बात करें अपना खाना खुद बना रहा है, फंजाई देखो पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफिक है, प्लांट की बात करूं ये पूरी तरीके से ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन फंजाई अपना खाना नहीं बनाते और एनिमेलिया भी अपना खाना नहीं बनाता। और फंजाई की सेल वॉल किस चीज से बनी है? काइटीन। मोनरा में सेल वॉल में सेलुलोज होता है क्या? नहीं, ये नॉन सेलुलोजिक होती है। और याद रखना मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा डाइवर्स किसमें है? तो बोलेंगे मोनरा में। देखो ना कैसे ऑटोट्रॉफिक तो है ही, साथ में हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटो में कीमो भी, फोटो भी, हेट्रो में सैप्रो भी, पैरा भी, मतलब टोटल चार चार टाइप का न्यूट्रिशन मिल रहा है यहां पे। नीट का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन से किंगडम में? तो बात करेंगे मोनरा में। और बताओ विटैकर ने कब दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? 1969 में। और ये पांच किंगडम में तुमको पता ही है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और मोनरा प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है, है ना। चलो भाई तो टू का आंसर हो गया तुम्हारा थ्री। नेक्स्ट आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। इनकरेक्ट तुमसे इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या इनकरेक्ट है, क्या लग रहा है तुम्हें इनमें क्या इनकरेक्ट है? देखो जरा यहां पे, ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क से हम सीखते हैं उनके फूड हैबिट, बिहेवियर वगैरह। बायोलॉजिकल म्यूजियम सिर्फ एनिमल्स के लिए थोड़ी है, ये एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स के लिए भी है ना। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा थ्री। आई बात समझ में? तो सिंपल सा ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था तुमसे, ठीक है। इसके लिए जल्दी से देखो एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी कहती है ना जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में कि ये जानवर यहां पे प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखे जाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर सीखते हैं हम यहां पे, और उनको वैसी ही हैबिटेट प्रोवाइड की जाती है जैसा इनका नेचुरल हैबिटेट होता है। म्यूजियम्स की बात करूं तो ये प्लांट के लिए भी होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है। म्यूजियम्स में स्केलेटन रखे जाते हैं, स्केलेटन का फोटोग्राफ नहीं रखा जाता। अब यहां पे इंसेक्ट के लिए तीन काम करते हैं, कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग। म्यूजियम में जितने भी होंगे ऑर्गेनिज्म सारे के सारे क्या होंगे? डेड होंगे। और बताओ रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहां है? कीव, इंग्लैंड में। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहां है? हावड़ा में। और NBRI कहां है? लखनऊ में। बोटैनिकल गार्डन भी प्लांट के लिए, बस फर्क यही है यहां की प्लांट लिविंग है। जितने टेक्सोनॉमिकल एड है उसमें सबसे क्विक रेफरल सिस्टम कौन है? तो बोलेंगे हर्बेरियम। क्या हर्बेरियम में हाइटोप्लांट को लिखोगे क्या? नहीं, हाइटोप्लांट को लिखते ही नहीं है। टोटल सात चीजें लिखी जाती हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नाम, लोकल नाम, बोटैनिकल नाम, फैमिली का नाम और कलेक्टर्स का नाम जिसने उसको कलेक्ट करने का काम किया है। तो ये बात याद रखेंगे। और हर्बेरियम में बात की जाती है DPP के बारे में, ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व। और कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग की बात मैंने इंसेक्ट के बारे में तुमको बताई, ठीक है। तीन क्वेश्चन क्लियर हैं, चलो भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर चार, द फंक्शन ऑफ पेलिकल ऑफ यूगलिना। पेलिकल बहुत ही खास चीज है, पेलिकल प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, तो इसके चलते क्या मिलेगी? फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो तीन तीन ऑप्शन में है।
अब जो ट्रू वॉल होते हैं स्पोर का, क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे? नहीं। ओस्मो रेगुलेशन देंगे? नहीं। प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। क्या देते हैं वो? प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं वो, ठीक है? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वो क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। देख सकते हो तुम यहां पर इग्लिनॉइड्स में सबसे खास चीज क्या, इनमें सेल वॉल होता है क्या? नहीं। इनमें एक प्रोटीन की बनी रिच लेयर होती है, नाम क्या है? पेलिकल, जो इनकी बॉडी को क्या बना देती है? फ्लेक्सिबल। इनमें कितने फ्लैजला हैं? दो, शॉर्ट और लॉन्ग। रात को क्या बन जाते हैं? हेटरोट्रॉफ। दिन को क्या रहते हैं? ऑटोट्रॉफ। और इनमें बिल्कुल वैसी पिगमेंट है जैसे हायर प्लांट्स में मिलती है, और ठहरे हुए पानी में मिलते हैं, बहते हुए पानी में नहीं मिलेंगे, नदियों में नहीं मिलते इग्लिना। और वहीं स्लाइम मॉल्ड्स को देखो ना, इनके जो स्पोर होते हैं ट्रू वॉल है, मतलब किससे बचाएगा? प्रोटेक्शन से बचाने का काम करेगा। और इन स्पोर को कौन बहा कर लेकर जाता है? एयर करंट बहा कर लेकर जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंस्टीड मतलब होता है के बदले अंशु, सेल वॉल के बदले वो चीज प्रेजेंट है, ये बात लिखी गई है यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर के मेम्ब्रेन के अंदर देखो कि क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? अस्ट्रोमा ही अस्ट्रोमा तुमको देखने को दिखेगा, ठीक है? देखना जरा। अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाना। हाँ भाई देखो यहां पर एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखना गौर से। सबसे पहले बात को समझना, मेम्ब्रेन ऑफ द थायलाकॉइड, अंदर में स्पेस मिलती है, ये ल्यूमेन होता है, ध्यान रखना ये बिल्कुल अलग चीज है। और अभी मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा था वो ये वाली लाइन थी, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रेमा अस्ट्रोमा। लेकिन आप पूछे कि थायलाकॉइड के अंदर के मेम्ब्रेन के स्पेस को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे ल्यूमेन बोलते हैं। क्लियर है चीज? अब यहां पे आगे समझना, क्लोरोप्लास्ट होते कहां है? मेसोफिल सेल के अंदर। एक अगर मैं बात करूं मेसोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे? 20 से 40। लेकिन वहीं क्लेमिडोमोनास की बात करूं तो बस एक ही देखने को मिलता है वहां पर। और इसका लेंथ याद रख लेना और विड्थ इसका याद रख लेना, लेंथ है 5 से 10, विड्थ है 2 से 4। कितने मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। अंदर वाला ज्यादा परमेबल होगा या बाहर वाला? बाहर वाला ज्यादा परमेबल होगा। कौन सी प्रोटीन है कमेंट में बताओ? पोरिंस प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट होगा। और यहां का क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होगा वो 70S। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का है? क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बैक्टीरिया का है? और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम कैसा मिलेगा? 80S। इनके स्ट्रोमा में जो एंजाइम होती है ना, उनसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बना सकते हो, फैट नहीं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करेगा ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। सेल कैसे काम कर रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है, इस पर सारी चीजें डिपेंड यहां पे करती हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है हमें। देखो एनसीईआरटी लिखती है यहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया का पैराग्राफ है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। माइक्रोस्कोप के अंदर जब तुम माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे ना, तो बिना स्टेन की दिखेगा नहीं। और स्टेन करना किससे है? जैनस ग्रीन से। किससे करोगे? जैनस ग्रीन से करोगे। अब यहां पर डायमीटर इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और लेंथ है 1 से 4। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लेंथ पूछेगा ना तो लंबे वाले में चलेंगे, लेंथ हमेशा लंबा की तरफ होगा, जैसे 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। यहां भी डबल मेम्ब्रेन होगा, आउटर होगा और प्लस इनर मेम्ब्रेन होगा। और अंदर में क्या भरा रहेगा? इनर मेम्ब्रेन के अंदर में मैट्रिक्स भरा रहेगा। और राइबोसोम देखो 70S, क्लोरोप्लास्ट का भी था 70S। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? फ्यूजन से या फीजन से? फीजन से। और इसको क्या बोलते हैं?
पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और क्रिस्टी का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का। जैसे हमारे स्टमक में रगी है, इंटेस्टाइन में विलाई है, वो भी तो सरफेस एरिया ही बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम वहां पे रह पाए और वहां पे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रूट प्रेशर के लिए तुम्हें कौन सी चीज करेक्ट लग रही है? रूट प्रेशर के लिए कौन सी चीज करेक्ट लग रही है तुम्हें? रूट प्रेशर इज निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हमेशा ऐसा हो नहीं सकता। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन, में तो रूट प्रेशर का काम ही नहीं है, ट्रांसपिरेशन में तो पुल मैकेनिज्म काम करता है। रूट प्रेशर एग्जिस्ट व्हेन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, तभी तो वहां पर होती है गटेशन, एक्सुडेशन, ब्लीडिंग, कुछ याद आ रहा है? और रूट प्रेशर तो हाईएस्ट होगा अर्ली मॉर्निंग में ना, क्योंकि उस समय ट्रांसपिरेशन बहुत लोएस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसको जरा एनसीईआरटी में देखते हैं, देखना एनसीईआरटी में। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, बात को समझना, कौन सी चीज है, गटेशन। इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, जिस समय वो ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब पत्तों से छोटे छोटे पोर्शन से जो चीजें निकलती हैं, लिक्विड ड्रॉप, उसको क्या बोलते हैं, गटेशन बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम उसे, गटेशन। और याद रखना इस बात को, रूट प्रेशर की जो बात करते हैं ना हम, वो और ट्रांसपिरेशन दोनों अलग अलग चीज है। पूछेगा पानी की ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल किसका है, बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। पूछेगा कि वॉटर चेन का मॉलिक्यूल टूट चुका, अब रीएस्टेब्लिश करना है तो क्या चाहिए, रूट प्रेशर चाहिए होगा। तो रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए प्लांट को जरूरत पड़ती है ट्रांसपिरेशन पुल की, गटेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना कि रीएस्टेब्लिश करने के लिए बस काम में यहां पर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लग रहा है, सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट, इन बैक्टीरिया को क्या बोलोगे तुम? इन बैक्टीरिया को बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, जितने भी नाम तुमने सुने हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोकोकस, सब के सब आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं एनसीईआरटी में कहां पे लाइन लिखी हुई है। क्या था क्वेश्चन, अच्छा मिनरल न्यूट्रिशन, एक सेकंड, मिनरल न्यूट्रिशन जब देखोगे तुम आगे ये चीज यहां पे मिल जाएगी। देखो कीमो ऑटोट्रॉप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी बैक्टीरिया है ना, तुमसे पूछा जाएगा क्या है, तो बोलेंगे सारे के सारे कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, समझ गया ना। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती ही है कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और याद रखना डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया कौन है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक बार मैं रिएक्शन पूरा लिख देता हूं, जैसे मुझे अमोनिया है, अमोनिया को बदलना है नाइट्राइट में और नाइट्राइट को बदलना है नाइट्रेट में, तो इसमें बैक्टीरिया के नाम तुमसे पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले बताया था ना यहां पे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, यही चार बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं। और सारे के सारे बैक्टीरिया किसमें आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स में आएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आ रहा है, पहले ये बताओ सीखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन तुम नहीं सीख रहे हो, एक क्वेश्चन के साथ साथ पांच छह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 9, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म द हार्मोनल सब्सटेंसेस कहां से कहां माइग्रेट करते हैं, पत्तों से कहां जाते हैं, सूट एपेक्स के पास। ये टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वहां हमें देखने को ये चीज मिलती है। देखो फोटोपीरियडिज्म की बात की गई, अब बात को समझना, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सूट एपेक्स कहां जा रहे हैं, ध्यान देना जरा, यहां से कहां जा रहा है। तो क्वेश्चन आया था कि दिस हार्मोनल सबस्टांस, इस हार्मोनल सबस्टांस का नाम क्या है, तो हम इसे फ्लोरीजेन कहते हैं।
कहां से कहां गया? लीफ से सूट एपेक्स, क्वेश्चन यही तुमसे पूछा गया था, लीफ टू सूट एपेक्स। ठीक है, तो एक तो चीज ये याद रखनी है, लीफ टू सूट एपेक्स, और नीचे वर्नलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना सबसे पहले तुम्हें कुछ बाइनियल प्लांट के ना नाम याद रखने होंगे, सुगर बीट, कैबेज और कैरेट। ये तीन नाम जो है ना, ये बाइनियल प्लांट के हैं जिनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए टोटल 2 सीजन का टाइम लगता है। कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम मैं बता रहा हूं जिनकी 2 वेराइटीज पाई जाती है, वीट, बार्ली और राई। इनमें विंटर और स्प्रिंग वेराइटी पाई जाती है, ठीक है। और बाकी लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग कराना है, इस टॉपिक को बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, इतना बस याद कर लोगे ना, ये काम तुम्हारा निकल गया। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बाकी नीचे सीड डॉर्मेंसी देख रहे हो ना, डॉर्मेंसी 3 एसिड्स के कारण आता है, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ये बड़े इंपॉर्टेंट एसिड्स के नाम हैं, अगर इन एसिड्स को इनएक्टिव किया गया तब जाकर डॉर्मेंसी टूटेगी। ये 3 एसिड्स के कारण डॉर्मेंसी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कैरेट है, टर्निप है, जिंजर है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। अब पूछा तुमसे क्या है, हाउ मेनी अबव प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफाइड टैप रूट। ये क्वेश्चन को सोच समझ कर बताना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन है? तो एक तो पता चल रहा है यहां पे जिंजर, और एक पता चल रहा है यहां पे पोटैटो। ये दोनों किसके मॉडिफिकेशन है, और किस्मत से हमारा एक ही ऑप्शन यहां पे। बाकी टैप रूट का मॉडिफिकेशन कौन है? कैरेट और टर्निप। आंसर क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। सिंपल है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलोकासिया, ये सब सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है। देखते हैं जरा, एनसीईआरटी कहती है कि देखो ये हमारे पास टैप रूट है, टैप रूट में कैरेट और टर्निप जो हमने साइड किया। अब अगली बार पूछ दे एडवेंटिशियस रूट में तो बोलेंगे स्वीट पोटैटो, ये बड़ा काम का है। प्रॉप रूट किस में? तो बनियान ट्री में। स्टिल्ट रूट किस में? तो मेज में और सुगर केन में। और न्यूमैटोफोर जिसमें रूट इस तरीके के वर्टिकल आते हैं वो किस में? राइजोफोरा में। इतने ही तो एग्जाम्पल्स काम के हैं यहां पे। फिर अगली पेज पे आ जाओ, स्टेम के मॉडिफिकेशन पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलोकाशिया, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन याद रखने जिसमें हमने पोटैटो जिंजर हटा दिया। अब यहां पर तुमसे पूछेगा टेंड्रिल्स वाले, तो गॉट्स आ जाएंगे और ग्रेप वाइंस। गॉट्स में क्यूकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। थॉर्न्स की बात करूं तो सिट्रस और बोगेनविलिया, और ये वाला आता है एग्जाम्पल फिल्लोक्लेड में। किसमें आता है? फिल्लोक्लेड में चीज आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यूफोर्बिया और अपुंसिया के बारे में। यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना अभी लास्ट के दिनों में, अगर ये तुमने पढ़ लिया ना, मतलब टॉनिक है ये, टॉनिक। चलो 10 क्वेश्चन तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा है तुमसे? डायोशियस कौन है? एक एग्जाम्पल यहां पे चूज करें, किसको बोलोगे डायोशियस? तो यहां पर डायोशियस कौन है? तो बोलेंगे साइकस। और बाकी सारे क्या हैं? मोनोएशियस। तो बताओ आंसर क्या जाएगा? 1 जाएगा। अब यहां पे देखो, अब यहां पर एनसीईआरटी लिखती है, गौर से समझना जरा चीजों को। अब देखो, जैसे अगर एक पे, एक तो पाइनस का एग्जाम्पल दे रखा है और एक साइकस का, तो क्या पाइनस में एक ही ट्री पे मेल भी है, एक ही ट्री पे फीमेल भी है? तो बोल देंगे मोनोशियस है। और साइकस 2 अलग अलग ट्रीज पे, तभी बोलते हैं इसके बारे में कि ये डायोशियस है, और पाइनस के बारे में कहते हैं कि पाइनस मोनोशियस है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और डायग्राम के नाम याद रख लेना, साइकस है, फिर पाइनस है, फिर गिंगो है, ठीक है। साइकस, पाइनस और गिंगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इसमें। क्या लग रहा है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट तुम्हें करेक्ट लग रहा है, जल्दी से बताओ। क्या मैं कह सकता हूं गेमा ग्रीन कलर का होता है, अस्फैग्नम टेरिडोफाइट का मेंबर नहीं ब्रायोफाइट का मेंबर है, एक्टोकार्पस की अगर मैं बात करूं तो एक्टोकार्पस फिलामेंटस ब्राउन एल्गी होता है। फिलामेंटस तो 3 होते हैं,
हिलोथ्रिक्स, अस्पायरोगायरा और एक्टोकार्पस, तो ये आ जाएगा इसमें। अब रोडोफाइसी के किसी भी मेंबर में फ्लैजला देखने को मिलती है क्या यार? किसी में नहीं मिलती। याद रखना रेड एल्गी के जिंदगी में कभी मोटाइल स्टेजेस देखने को मिलते ही नहीं है। तो बताओ 12 का आंसर क्या चला जाएगा? यहां पर 3 चला जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, एनसीईआरटी इन बातों को बता रही है यहां पे। देखो सबसे पहले ये गेमा कब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर कैसा? ग्रीन। कलर कैसा? ग्रीन। मल्टीसेलुलर भी होता है और बाकी याद रखेंगे एसेक्सुअल होता है। अब ये डायग्राम अगर तुम्हें दे दे तो क्या ये खूबसूरत है तो फीमेल है, और ये रफ एंड टफ है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक तो चीज याद रखना है। और बाकी देखो रेड एल्गी के जिंदगी में कभी मोटाइल स्टेजेस देखने को नहीं मिलते, चाहे स्पोर नॉन मोटाइल, गैमेट्स वो भी नॉन मोटाइल होंगे। ये बड़ा काम का चीज है, याद रखना ठीक है। और एक और चीज, जैसे कौन क्या खाना स्टोर करता है, तो माला बताया था तुम्हें ब्राउन कलर का होता है, तो ये मैनिटॉल लैमिनरी माला ब्राउन कलर का, और ये भी स्टार्च और ये भी स्टार्च, लेकिन फर्क बस इतना है कि रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है, और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा मिलता जुलता है? तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के जैसा। क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछ रहा है इस बार? इनकरेक्ट चार में से कौन कौन से तुम्हें इनकरेक्ट दिख रहे हैं, पहले तो ये मुझे बताओ कि कौन कौन से इनकरेक्ट यहां पे हैं। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट मिल सकता है, हाँ। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कैन विदस्टैंड, है ना, एनसीईआरटी लिखती है। माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा ना, और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर खिल जाए तो एनजीओ को क्यों इतना टाइम लगा? जिम्नोस्पर्म तक कभी फ्लावरिंग होती ही नहीं है। फ्लावरिंग पहली बार देखने को मिला है एंजियोस्पर्म में। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है और इसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बताओ 2, 3, 4 तीन स्टेटमेंट हो गया ना गलत पूरी तरीके से। अब देखते हैं एनसीईआरटी में जरा। देखो जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पर टैप रूट देखने को मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। अगली बात, यहां पर और कौन से रूट हैं? कोरेलॉइड रूट, ये ध्यान रखना कि साइकस, सी फॉर साइकस और सी फॉर कोरेलॉइड रूट। साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड, पाइनस और सेड्रस का ब्रांच्ड। साइकस में पत्ते कैसे मिलेंगे? पिनेटली। और यहां के पत्ते तो एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल पाएंगे, नीट का लाइन है ये, ह्यूमिडिटी को, विंड को झेल पाएंगे। कॉनिफर्स के पत्ते नीडल लाइक, तो सर्फेस एरिया कम, और सर्फेस एरिया कम तो वाटर लॉस भी कम। क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर की लेयर मोटी होती है और स्टोमेटा अंदर में धसा हुआ होता है, डीप स्टोमेटा बोलते हैं। और सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन है? तो बोलेंगे सेकुइया। जिम्नोस्पर्म का सबसे टॉलेस्ट ट्री मान देखने को मिलता है हमें ये। और जहां तक बात रही माइकोराइजा के बारे में, तो माइकोराइजा का एसोसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा के रिश्ते पूछेगा क्या है, तो बोलेंगे फंजाई के रिश्ते रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। अब यहां पर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ मतलब पाइनस के साथ। साइकस सोचा मैं क्यों अकेले बैठूं, मैं भी रिलेशनशिप में आऊंगा, इसने फंजाई के साथ रिश्ते बनाए हैं, मैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रिश्ते बनाऊंगा। देखो ना एनसीईआरटी में साइकस के रिश्ते साइनोबैक्टीरिया के साथ मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और पाइनस के जो रिश्ते हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। और जिम्नोस्पर्म्स में ना कभी फ्लावर होती है और ना कभी फ्रूट होता है, सिर्फ और सिर्फ सीड, और वो भी नेकेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी नीट में क्वेश्चन आएगा। आओ देखते हैं जरा। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है तो लेप्टोटीन की बात हम लोग करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग मतलब साइनेप्सिस स्टार्ट हो चुका है, जाइगोटीन की बात होगी। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन पैकाइटीन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की बात चल रही है। काइजमाटा का अपियरेंस डिप्लोटीन, क्योंकि पूछता अगर काइजमाटा किसमें खत्म हुआ तब तो डायकाइनेसिस लगाते, और क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड तो बचा क्या? डायकाइनेसिस। तो देखते हैं ना, एकावन एकावन
बी का टू, बी का टू, सी का फोर, सी का फोर, आंसर सबका आ रहा है टू। क्या 14 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा टू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 14 का आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा टू। अब जरा एनसीईआरटी में देखते हैं ये पैराग्राफ कहां पे लिखी हुई है। एनसीईआरटी ये जो पेज नंबर 168 है ना, मतलब करोड़ों की लाइन है ये। आओ तुम्हें दिखाता हूं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायगेनेसिस, ये पांच जो सब डिवाइड किया गया है ना, ये प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किया गया है। सबसे लंबा चलता है माइटोसिस का प्रोफेज, इतना लंबा नहीं है जितना लंबा यहां का मियोसिस चलता है। किस बेसिस पे पूछेंगे पांच टाइप है, तो बोलेंगे क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। देखो लेप्टोटीन में कंपैक्शन स्टार्ट हुआ है क्रोमोसोम का। जाइगोटीन की बात करो, यहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। अगली बात पेकाइटीन की बात करूं, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, कभी भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर जिस एंजाइम से होती है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। और डिप्लोटीन में पूछा जाएगा, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। अब यहां पर डिप्लोटीन में एक काइजमाटा बनता है जिसका स्ट्रक्चर एक्सेप्ट के जैसा है। अब अगली चीज है डायकाइनेसिस, जहां काइजमाटा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमें याद रखना है। इन सब में बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होती है पेकाइटिन स्टेज में। ठीक है, ये तो ध्यान रखोगे रखोगे, और बाकी ये तो तुमको ध्यान रहेगा डिप्लोटीन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कि इन ओसाइट्स ऑफ सम वर्टेब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है एनाफेज फर्स्ट के रिस्पेक्ट। बताओ भाई क्या लग रहा है। देखो एनाफेज फर्स्ट सेग्रीगेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा, क्रोमैटिड का नहीं होगा अभी। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर इज एब्सेंट, क्योंकि एनाफेज टू में जाकर होगा सेंट्रोमेयर का डिवीजन। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होना, अगर हम ये बात करें तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर इज एब्सेंट, ये तो ट्रू है लाइन, मतलब यहां पे होता नहीं है। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा, नहीं, वो एनाफेज टू में जाकर होगा। तो 15 का आंसर क्या लगाओगे, थ्री। एनाफेज फर्स्ट का इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आंसर क्या लगाओगे, थ्री। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज के जगह पे वो सेम रहेगा, क्योंकि जब आगे जाएगा ना, जब सेंट्रोमेयर टूटेगा तब जाकर वो डिवीजन वहां पे होगा। इसके लिए देखते हैं जल्दी से अगली पेज में, तो है देखो यहां पे एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं तुम एनाफेज टू में चले जाओ, एनाफेज टू में यहां पे जो सेंट्रोमेयर है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब जब टूटेगा तो क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हो जाएंगे। ये बात होती है एनाफेज टू से रिलेटेड। नेक्स्ट 16 नंबर पूछा क्या है, इनमें करेक्ट कौन सा है, तुम्हें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट तुमको यहां पर करेक्ट लग रहा है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑनली इन ग्रीन लीव्स, जरूरी नहीं है, ग्रीन फ्रूट्स भी हैं वहां भी होता है, तो पहला तो गलत है ऑनली के कारण। डार्क रिएक्शंस आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन रिएक्शन, डार्क को लाइट की जरूरत ही नहीं होती, प्रोडक्ट की जरूरत होती है। एटीपी और एनएडीपीएच टू बनाना मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, बिल्कुल बात सही है। एटीपी और एनएडीपीएच टू का बनना जो है वो नॉन साइक्लिक में तभी तो हो पाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन सिस्टम की बात यहां पर होती है। तो 16 का आंसर क्या जाएगा, थ्री जाएगा। अब जरा पेज नंबर देख लेते हैं, एनसीईआरटी। देखो यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे प्लांट के फ्लावर के सेपल में, ग्रीन फ्रूट्स में, मिर्च अगर ग्रीन है उसमें भी चलेगा, ठीक है ना। अब देखो डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवेन, बल्कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं,
तो एक तो बात ये हमें ध्यान रखनी है। अब आगे मेम्ब्रेन सिस्टम पे एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है और स्ट्रोमा में दुनिया भर के एंजाइम्स होते हैं। सारी लाइनें समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? यहां पर तुम्हें अगर याद होगा सारा का सारा तो आंसर जाएगा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इज अ कॉम्प्लेक्स फोर। कौन सा कॉम्प्लेक्स के बारे में बोला जा रहा है? कॉम्प्लेक्स फोर के बारे में। इसको जरा देखते हैं। अब यहां देखना जरा, पूछेगा एग्जाम में कॉम्प्लेक्स वन का नाम क्या है? बोलेंगे एनएडीएस डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स टू का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थ्री बीसी1। कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स फाइव एटीपी सिंथेज। अब देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन आता है कि तीन और चार नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है उसे कौन सा प्रोटीन जोड़ेगा? तो बोलेंगे साइटोक्रोम सी उसको जोड़ने का काम करेगा। अब ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स फोर जिसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं उसमें साइटोक्रोम ए और A3 तो है ही, प्लस दो कॉपर के सेंटर भी हैं। और इस बार मुझे उम्मीद लग रही है इस वाली लाइन के आने की कि साइटोक्रोम सी एक छोटा सा प्रोटीन होता है जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर में देखने को मिलती है हमें और तीन और चार कॉम्प्लेक्स को जोड़ने का काम करता है। ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये वाला लाइन बड़ा खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कॉलम वन और कॉलम टू मैच करो जल्दी से, क्या लग रहा है? ब्रिंजल वेजिटेबल है? हाँ जी। टोबैको मेडिसिन है क्या? तंबाकू चबाने के तौर पे काम आती है। पोटैटो तो ट्यूबर है, अश्वगंधा एज ए मेडिसिन है। तो चार तीन चार से तो एक ही ऑप्शन ही है, आंसर चला जाएगा क्या? 18 का आंसर आ जाएगा थ्री। क्लियर है ना सबका? चलो अब एनसीईआरटी में तुम्हें दिखाऊं कहां से क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी में सबसे पहले इसका डायग्राम का नाम याद रखना, पिटूनिया कहते हैं इसे, सॉरी मैं कोई कहते हैं इसे, सोलेनम निग्रम साइंटिफिक नेम इसका है। अब देखो, अब यहां पर टोमैटो ब्रिंजल और पोटैटो ये फूड के तौर पे हैं, स्पाइस चिली मेडिसिन बेलाडोना और अश्वगंधा, टोबैको फ्यूमिगेटरी, भले ही वहां पे चबाने के लिए दिया लेकिन एग्जाम में दे देगा फ्यूमिगेटरी कौन है, तो बोलेंगे टोबैको, और ऑर्नामेंटल पिटूनिया। ये ध्यान रखना है, और ये 555 जैसे ही आ जाए, ये किसका फॉर्मूला है? सोलिनेसी का। ठीक है, ये जो जी ध्यान रखना, और बाकी एपिपेटालस वाली बात याद रखना तुम तो। ठीक है, और एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज बाइसेक्सुअल, एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज ओवरी सुपीरियर, एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज ऑल्टरनेट लीफ मिलती है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, लास्ट पेज से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ भाई क्या लग रहा है? करेक्ट पूछा है तुमसे कि कौन सा चीज तुमको यहां पे करेक्ट लग रहा है? जिंक इज अ को फैक्टर लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। गलत लग रहा होगा तुम्हें ये, बोलो गलत लग रहा है या नहीं? साफ गलत लग रहा होगा। ये तो सही है, निकोटिनामाइड एनएडी का फुल फॉर्म है ये, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। हीम भी सही है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर ऑक्सीजन में तोड़ता है, को फैक्टर है जो कि कैटेलिटिक एक्टिविटी किसी एंजाइम का चेंज कर देता है। तो ए भी गलत है और डी भी गलत है, तो पूछा क्या है तुमसे? सही ना, तो बी और सी चला जाएगा आंसर। आंसर क्या जाएगा? बी और सी जाएगा आंसर। अब देखो ये कौन से पेज नंबर से पूछा गया है, पेज नंबर 169। देखो भाई को फैक्टर, आज तुम्हारे लिए पूरी तैयारी कर कर आया हूं मैं। देखो यहां पे को फैक्टर्स, ये पैराग्राफ से एक क्वेश्चन तो आएगा, ये पूरी पेज से एक क्वेश्चन फिक्स है। क्या क्या पूछा जाएगा जो पहले स्टेटमेंट में था वो जरा देख लेते हैं। अगर किसी इंजाइम के साथ अगर को फैक्टर ने काम करना बंद कर दिया तो उस इंजाइम की कैटेलिटिक एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी।
मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है कि कोफैक्टर साथ में काम करता रहे। जिंक की बात करूं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए बिल्कुल एक्टिवेटर होता है। एनएडी की बात करें या एनएडीपी, नियासिन विटामिन देखने को मिलती है। ये सब चीजें पूछी गई थी तुमसे। अगली चीज, हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन में टूट गया था, हीम वहां का प्रोस्थेटिक ग्रुप था। ये सब तो वो क्वेश्चन है जो बड़े पॉपुलर है। अब मैं तुम्हें कुछ और बातें बताता हूँ। टोटल कितने टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं? तीन, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयन। ये पैराग्राफ प्रोस्थेटिक का, ये कोएंजाइम का और ये मेटल आयन का। पूछेगा कि तीनों में कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलेंगे प्रोस्थेटिक, और कौन कोएंजाइम, बोलेगा इनऑर्गेनिक कौन है, तो मेटल आयन वाला। पूछेगा टाइटली बॉन्डेड कौन है, प्रोस्थेटिक। पूछेगा लूजली बॉन्डेड कौन है, कोएंजाइम, जिसको बोला गया ट्रांजिएंट, मतलब लूजली बॉन्ड है ये। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और बाकी इंजाइम वगैरह की कोई बात आ जाए ना, एनएडी विटामिन वगैरह, तो डायरेक्ट कोएंजाइम, और हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली बात आ जाए, परोक्सीडेज कैटालेज वगैरह, तो प्रोस्थेटिक आ गया तुम्हारा। और यहां मेटल आयन में जिंक वाली याद रखना, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। यही तो पूछा जाता है इस पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्या पूछा है तुमसे, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, अभी बताया भी है तुम्हें, ट्राई करो। इन टेरिडोफाइट द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। ये लाइन जो है ना, ये जिम्नोस्पर्म के बारे में सही है, क्योंकि टेरिडो में सीड कहां बनता है। नेक्स्ट, यहां पे अगर हम बात करें साइकस के बारे में, तो साइकस में डिफरेंट ट्री पे होगा। साइकस में कोरोलॉइड रूट तो था, लेकिन इसने रिलेशनशिप आर्किबैक्टीरिया के साथ नहीं बनाए थे, साइनोबैक्टीरिया के साथ बनाए थे। आंसर क्या चला जाएगा, 4। ये तो लाइन अभी जस्ट मैंने तुमको दिखाई थी साइकस के बारे में, कोरोलॉइड रूट वाला। ये चीज यहां पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज मैं दिखा देता हूं तुम्हें इसके रिलेशन में। 20 नंबर है ना, एक सेकेंड, यहां पर देखना। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये टेरिडोफाइट्स के जो चार क्लासेस है ना, इनको तो जरूर याद रखो। सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, साथ में सीला सेलाजेनेला। पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो स्फेनोप्सिडा तो इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा मतलब टेरिस टेरिस, और लास्ट में डिएंटम। हो गया हमारा। पूछेगा सीड हैबिट किस में आया, टेरिडो में। सीड बना किस में, जिम्नो में। ये फर्क है। सीड की कभी इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, हमेशा आंसर क्या लगाओगे, टेरिडो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आ जाओ जरा। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर हो गया ना, 21 पे आ जाओ। लो, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा है तुमसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है। राइबोसोम 70, ठीक है। सर्कुलर डीएनए सिंगल है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। आउटर तो कॉन्टिन्यूअस है, इनर ने क्रिस्टी का रूप ले लिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाई फीजन, नॉट फ्यूजन। अभी दिखाया था ना तुम्हें। चलो एक बार पेज नंबर पलट लेते हैं। पेज नंबर है 145 के आसपास में दे रखा। देखो, अभी देखा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फ्यूजन, नहीं फीजन, याद रखना ये। ठीक है, आरएनए भी मिलता है, डीएनए भी मिलता है, और डीएनए सिंगल मिलेगा और सर्कुलर डीएनए मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, सोच समझ कर लगाना क्या लग रहा है। हाँ जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आंसर आ जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए 4, क्योंकि इंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए पानी तो चाहिए ही। पानी के बिना काम कैसे चलेगा? पानी तो चाहिए ही ना। पानी के बिना काम चल सकता है क्या? पानी के बिना काम ही नहीं चलेगा।
आओ देखते हैं जरा। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, यहीं से क्वेश्चन आया था। अब यहां पर जो बात लिखी हुई है कि वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ, अरे ये बात समझ में। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। फिर यहां पर एनसीईआरटी ने और भी बातें की हैं कि यहां पर टेम्परेचर भी चाहिए होगा और एक ग्रेविटी जो रूट को नीचे की तरफ लेकर जाती है, लाइट और ग्रेविटी। ये छह चीजें हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए ही चाहिए, पानी के बिना एंजाइमेटिक एक्टिविटी चल ही नहीं सकती है। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये तुम्हें बताना है। फैसिलिटेटेड में प्रोटीन है, हाँ है। एक्टिव में भी प्रोटीन है, हाँ है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन नहीं है। 23 का आंसर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब देखते हैं जरा कौन से पेज से क्वेश्चन आया था। कुछ याद आ रहा है ये डब्बा? सिंपल डिफ्यूजन प्रोटीन है, नहीं। फैसिलिटेटेड प्रोटीन है, हाँ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये पेज, ये डब्बे को अच्छे से कर ले मैं कवर, बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है। एक क्वेश्चन आएगा यहां से और इसके ऊपर जो लाइन है ना, हार्मोनल रेगुलेशन वाली, रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर वाली और सैचुरेशन वाली, ये तीन चीज और, मतलब टोटल पांच तो यहां पे है और दो ही लगभग लगभग यहां पे, क्योंकि सैचुरेट वाली तो चीज दे ही रखी है यहां पे। 24 जनरली सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन ग्रुप ए, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्रुप ए। डाइकॉट में तो चलती है यार, डाइकॉट में चलती है, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, मतलब जिम्नोस्पर्म छोड़ो डाइकॉट में तो मिलेगा, लेकिन तुम चार नंबर में देखो ना, ना मोनोकोटस्टेम में, ना एल्गी के फिलामेंट में, ना ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में, कहीं नहीं मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये बात तो हमें याद रखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोटस्टेम में भी मिलता है, डाइकॉट रूट में भी मिलता है, जिम्नोस्पर्म के स्टेम में भी मिलता है, जिम्नोस्पर्म के रूट में भी मिलता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ की बात अगर हम करते हैं वो कहां मिलेगा, डाइकोट रूट में, डाइकोट स्टेम में, जिम्नोस्पर्म के रूट में और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में। जिम्नोस्पर्म वाली बात लिखी है जहां पे प्लांट एनाटॉमी खत्म हो रहा है ना, वहां पे लिखा हुआ है ये लाइन कि जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है, वहां पे देख लेना एक बार लाइन। ठीक है, ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25। आओ देखते हैं जरा, सबसे पहले ऊपर में रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, फिर इसके बाद इलोंगेशन होता है, फिर इसके बाद मेरिस्टमेटिक होती है, फिर लास्ट में थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है तुम्हारा रूट कैप। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, अरे बात समझ में, ऊपर से नीचे की तरफ तुमसे पूछा जा रहा था तो यहां पर ये चीज चलेगा, सिंपल है। आओ एनसीईआरटी में देखें जरा, ये देखो यही है ना, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, और यहीं से क्या निकलती है, रूट हेयर। पूछेगा कहां का सेल छोटा छोटा, कहां का सेल थिन वॉल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवीजन बहुत तेजी से, तो बोलेंगे कहां का है, मेरिस्टमेटिक का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रूट हेयर्स कहां से निकलते हैं, मैचुरेशन वाले से, बीच में कौन है, इलोंगेशन, और थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कौन है, तो बोलेंगे रूट कैप। इतनी बातें याद रखनी है। 26, ये डायग्राम को देखो जरा, ये डायग्राम किसके बारे में तुम्हें बता रहा है, तो ये डायग्राम तुम्हें बता रहा है रेडियल सिमेट्री के बारे में, और रेडियल सिमेट्री कौन से तीन फाइलम में मिलती है, तो बोलेंगे सीसीई, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। देखते हैं एनसीईआरटी में जरा, ये रही ना डायग्राम, कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एनसीईआरटी कहती है रेडियल सिमेट्री में सी सी ई, सिलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेट्स। ए सिमेट्रिकल तो सिर्फ पॉरीफेरा में मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री तो सब में, सी सी ई को छोड़ दो और पॉरीफेरा को छोड़ दो, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री मिलेगा। मैं कहूं तो प्लैटी हेलमिंथिस स्टार्ट होती है और कॉर्डेटा तक सब में मिलता है हमें बायलेटरल सिमेट्री,
और सिर्फ छोड़ दो एकानोडर मेटा का लार्वा तो, ठीक है ना, क्योंकि एकानोडर मेटा का लार्वा तो बायलेटरल है, अडल्ट की बात करें तो वो रेडियल सिमेट्री हो जाता है, और ये कौन सा है, बायलेटरल सिमेट्री, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। 27 ट्रिपल ब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, एसुलमेट है। ये बातें प्लैटीहेलमिंथस के बारे में तो सही है, क्योंकि एनालिट तो सिलोमेट है, एस्केलमेंथिस की बात करूं तो ये स्यूडो सिलोमेट है, ये कैनोडर्म भी सिलोमेट है। आंसर क्या जाएगा, प्लैटीहेलमिंथस। देखो ना, प्लैटीहेलमिंथस क्या बायलेटरली सिमेट्रिकल है, हाँ, ए सिलोमेट है, हाँ, तो ये सब बातें किसके बारे में सही है, प्लैटीहेलमिंथस। और एस्केलमेंथिस के बारे में ना ये वाली बात सही है कि ये स्यूडो सिलोमेट है, ये बड़ा खास पॉइंट है स्यूडो सिलोमेट वाला, और पहली बार एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट भी हुई है कहीं मस्कुलर फेरिंग्स के साथ, और फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा और कर्व्ड होता है, फीमेल कर्व्ड नहीं होती। 28 काफी है, फिश में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, फिश में काफी कंफ्यूजन है, अब क्या लगाओगे देखते हैं जरा। लेपिस्मा सिल्वर फिश, किताबों के बीच बीच में जो चीजें पुरानी किताबें होती हैं उसमें सिल्वर फिश ही तो आ जाती है। फ्लाइंग फिश की बात करें एक्सोकीटस, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं। आंसर तो पहले से ही साफ पता चल रहा है, 2, 4, 1 और 3। 28 का आंसर क्या है, 1। पेज नंबर जरा देखें इसकी, देखो ये सब जितने भी नाम है ना काफी कंफ्यूजन होता है, सब फिश वाले नाम अच्छे से पढ़ लेना। सीपिया कटल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, ये फिश नहीं है, मिसनोमर है ये। इकैनोडर्मेटा एस्टरियास स्टार फिश, फिश नहीं है ये। अब जब तुम आगे पढ़ोगे ना, आगे यहां पर मिलेगा तुम्हें, ये सब रियल फिश है, स्कोलिडॉन डॉग फिश, प्रेस्टेस सॉ फिश, जिसमें फिश लगा हुआ है ना इधर इधर वाले रियल है, अभी आया था ना एक्सोकेटस फ्लाइंग फिश, ये सब वाले रियल है सब फिश, जिसके भी नाम के लास्ट में ना देखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन विच वन द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैचिंग बिल्कुल करेक्ट तुम्हें लग रहा है वो बताओ। अस्कैरिश बॉडी सेगमेंटेड, बिल्कुल नहीं। फ्रॉग टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, एम्फीबिया का मेंबर है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये तो सही लग रहा है, 2 नंबर। टेरोपस ये मेंबर है तुम्हारा मैमिलिया का, ठीक है, स्किन में हेयर है, ओविपैरस नहीं होता, ओविपैरस तो अकेला ऑर्निथोरिंकस है, गया। ऑरेलिया जेलीफिश सिलेंट्रेटा, ठीक है, निडोब्लास्ट, ठीक है, ऑर्गन लेवल नहीं, टीसू लेवल होती है, ये भी गया। 29 आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, 29 का आंसर तो 2 है। अब यहां पर पेज नंबर रेफर करते हैं जरा, यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सब भूल जाना लेकिन ये मत भूलना, ये बिल्कुल हाईलाइट कर लेना अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से। ओविपैरस कौन है, ऐसा कौन सा मैमलिया है जो ओविपैरस अंडे देता हो, ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस बाकी सारे क्या हैं, विविपैरस हैं। और हेयर्स का होना स्किन पे मैमल का खास प्रॉपर्टी है, पिन्ना का होना खास प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मतलब हेट्रोडोंट का होना खास प्रॉपर्टी है, मैमरी ग्लैंड बहुत खास प्रॉपर्टी है ना इसका होना, यूनिक मैमलिन कैरेक्टर ये सब माने जाते हैं। टीसू को कैसे डिफाइन करोगे, ये पूछा, सिंपल सा लैंग्वेज है, टीसू को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सबस्टांस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये वाली बात हो गई है ना। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ जी यहां देखो, एक ग्रुप सिमिलर सेल्स सॉरी अलोंग विथ इंटरसेलुलर सबस्टांस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड, इसी चीज को क्या बोला जाएगा, टिश्यू बोला करते हैं। और टिश्यू को ब्रॉडली कितने टाइप में डिवाइड किया गया, 4, एपिथेलियल कनेक्टिव मस्क्यूलर और न्यूरल, ये 4 टिश्यूज यहां पर हैं।
और बाकी सबके एग्जाम्पल याद रख लेना। स्क्वैमस का ब्लड वेसल्स के वॉल में मिलेगा जहां स्मूथ मसल है, और एयर सैक ऑफ लंग में, क्यूबाइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी पीसीटी वगैरह में, और कॉलमनर तो स्टमक और इंटेस्टाइन, सीलेटेड तो सबसे खास है हॉलो ऑर्गेन जैसे ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कंपाउंड एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड सोज फॉलोइंग फंक्शन, मेनली सिक्रीशन है ही नहीं काम, एब्जॉर्प्शन है ही नहीं काम, मेनली प्रोटेक्शन। 31 का क्या जाएगा आंसर? 3। पेज नंबर देखते हैं जरा। देखो कंपाउंड एपिथेलियम का जो मेन काम है ना वो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचाने का काम है। इनका काम है ही नहीं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, है भी तो बहुत ही लिमिटेड रोल है, मेन काम तो है प्रोटेक्शन। थर्टी टू, बॉवेल मूवमेंट के चेंज से रिलेटेड कौन है? तो डायरिया भी और कॉन्स्टिपेशन भी। दिखाता हूं तुम्हें, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों बॉवेल मूवमेंट से रिलेटेड है। एक में बॉवेल मूवमेंट इरेगुलर हो चुका है, दिखा रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन। देखो डायरिया, यहां पे बात करें बॉवेल मूवमेंट की अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, और कॉन्स्टिपेशन की बात करें ये भी देखो बॉवेल मूवमेंट आकर से रेगुलरली, समझ रहे हो ना, दोनों बॉवेल मूवमेंट से ही रिलेटेड है और कोई बॉवेल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। जॉन्डिस में स्किन वगैरह तो पीला पड़ ही जाएगा बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से, और इनडाइजेशन में खाना ऐसा लगेगा पेट भरा हुआ है, ये सब रीजन हो सकते हैं। और वॉमिट सेंटर जरूर याद रखना मेडुला में होता है। 33 डायग्राम देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 33। तो पहले तो इंसीजर होगा, फिर कनाइन होगा, फिर प्रीमोलर होगा, फिर मोलर होगा, तो ओवरऑल 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2, टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए टोटल दांत, है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये देखो, देख रहे हो, ये हो गए तुम्हारे दांत, इंसीजर कनाइन प्रीमोलर मोलर, और ये सॉकेट ऑफ जॉ, सॉकेट में दांत का धंसना, इसे हम बोलते हैं थेकोडोंट। और ये चार जो हाइलाइटेड वर्ड हैं किसके हैं? स्टमक के चार रीजन है, मेजर पार्ट है ये। और सी सेप्ड किसका है? ड्यूडेनम का। सीकम क्या है? छोटा सा ब्लाइंड सैक है जहां पर बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और वहीं से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलोन के कितने पार्ट हो जाते हैं? 4, ध्यान रखना। अस्फिंक्टर का नाम गैस्ट्रोएसोफेजियल या कार्डियक अस्फिंक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या लग रहा है? ए वाला चीज एल्वेलर कैविटी है, बोलो। ए तो साफ लग रहा है कि एल्वेलर कैविटी है। बी पीला वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है या बेसमेंट सबस्टांस? बेसमेंट सबस्टांस। और सी वाला तो आरबीसी पता लग ही रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा, सिंपल। आओ देखते हैं जरा, ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, बेसमेंट सबस्टांस, ये एल्वेलर कैविटी, ये आरबीसी, और ये इस बार पूछ ले तो ब्लड का कैपिलरी जा रहा है, और पूछे कि ये कितना लेयर का है, बोलेंगे एक लेयर का है। और ये भी ध्यान रखना कि ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? CO2 की। कितनी ज़्यादा? 20 से 25 गुना ज़्यादा। अब यहाँ पर ये टोटल थिकनेस अगर हम देखें तो टोटल थिकनेस कितनी है? 1 मिलीमीटर से भी कम, ये ध्यान रखना। 35 ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा अच्छे लाइन से ये क्वेश्चन आया है।
बहुत सारी चीज़ें बॉडी में इकट्ठा हो जाती हैं, चाहे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से और नहीं तो अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये बात एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है ये देखते हैं जरा। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बातें तो दे ही रखी हैं, चाहे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय मीन्स अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन और चाहे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से। आ रही है ना बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल में तीन चैम्बर हार्ट का होना किस में देखने को मिलेगा? दिल में तीन चैम्बर हार्ट का होना ये प्रॉपर्टी किस में हमें देखने को मिलेगी ये बताओ। और देखते हैं जरा, तीन चैम्बर हार्ट का होना किसके किसके पास है? पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, ये दोनों में तो चार, ये दोनों में तीन और इसमें हमें दो देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लू व्हेल तो हटा ही दो, सीटाकुला, पैरट हटा ही दो, राना आ सकता है, क्रोकोडाइलस तो चार चैम्बर होते हैं, पेरिप्लैनेटा 13 चैम्बर होते हैं, कोबरा आ सकता है, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड आ सकता है, टोटल कितने आएंगे? तीन। 36 का आंसर क्या सबका दो आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है सबका आंसर दो? समझ गया ना कैसे हमने किया? आओ एनसीईआरटी जरा देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, पेज नंबर 292। देखो किसमें कितने चैम्बर है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में तीन चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल को छोड़कर क्योंकि क्रोकोडाइल में तो टोटल चार चैम्बर हार्ट होते हैं, क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में कितने होते हैं, चार चैम्बर हार्ट होते हैं, और मछलियों में कितना होता है, दो चैम्बर हार्ट होते हैं, मतलब सारे वर्टिब्रेट्स के पास दिल तो जरूर होगा वेंट्रल साइड में। ठीक है, ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो कहां देखने को मिलेगा? तो साफ बात है कि मेडुला में देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है कि एक स्पेशल तरीके का सेंटर होता है मेडुला रीजन में जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला करते हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग CO2 ज्यादा बढ़ा, H+ ज्यादा बढ़ा, इसको पहचान पाता है, O2 कम हुआ इसको नहीं पहचान पाता, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 38, क्या ये बातें पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड हैं? तो पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है, मेलाटोनिन, तो 38 का आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा, 3। आओ जरा एनसीईआरटी में देखें, देखो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सिक्रीशन करता है, मेलाटोनिन का काम 2400 घंटे पूरे बॉडी का ख्याल रखना, फिर स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ों का सारा ख्याल जो है वो पीनियल ग्लैंड रखता है। ये फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे देखने को मिलता है हमें ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39, थाइमस ग्लैंड सिक्रेट्स द पेप्टाइड हॉर्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, पहला तो गलत हो गया क्योंकि स्टेरॉयड है नहीं, स्टेरॉयड में तो मैंने बताए हैं टोटल पांच ही होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। थाइमोसिन का काम इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, आंसर क्या जाएगा, 39 का आंसर जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, अब इसी के नीचे देखो ना, थाइमोसिन जो कि एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन है, इसका काम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड है और ह्यूमरल इम्यूनिटी से रिलेटेड है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है थाइमस डिजनरेट होता चला जाता है, तो थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम काफ़ी कमजोर देखने को मिलता है।
तीन डायग्राम हैं, इस डायग्राम को जल्दी से पहचाने कि ये डायग्राम किसके बारे में है। एक का होना ग्लाइसिन, दूसरे का एलानिन, तीसरे का सेरीन। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा ना, आर ग्रुप, वैसे वैसे बोलेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा। तो ट्रिक सिंपल सा है, गैस जी फॉर ग्लाइसिन, ए फॉर एलानिन, एस फॉर सेरीन। आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? 40 का 3। ये जो मैं पेज अब दिखा रहा हूं ना, इस पेज के डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, ठीक है। ये अब बगल में ये जो है ना ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैल्मिटिक एसिड में टोटल 14 कार्बन, लेकिन अगर COOH वाला भी मिला दें तो 15 कार्बन। ट्राइग्लिसराइड, 3 R ग्रुप होंगे और तीनों R ग्रुप फैटी एसिड होगा। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा डेकोरेशन के साथ मॉलिक्यूल है, लेसिथिन देख सकते हो, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे ना, कम से कम ये डायग्राम तो क्लियर रखना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल्स। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। कंसर्न टू द अबव टू फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ठीक है। एनेलिड में टीसू, नहीं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन भी नहीं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, क्लोज टाइप सही है। आंसर जाएगा तुम्हारा 3, सिंपल है। नेक्स्ट ये देखो, एनालिट्स, एनालिट्स में पहली बार ऑर्गन सिस्टम आई है क्या? नहीं, एस्केल्मेंथिस में भी आया है। बायलैटरल सिमेट्री है इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। देखो इसमें खास बात क्या है ना, वो मैं तुम्हें बताऊं। इसमें सबसे खास चीज जो है वो है नेलिश, कैसा? डायोशियस नेचर का। और अर्थवर्म लीचेस मोनोशियस। नेलिश के पास क्या होता है? पैरापोडिया, जो कि किस में मदद करता है? स्विमिंग में मदद करता है। नेफ्रिडिया से ये लोग क्या करते हैं? अपना एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे हमारे पास किडनी है ना, वैसे इनके पास होती है नेफ्रिडिया। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा मिलेगा? प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बिल्कुल सही बात है। इन सेफेलोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज एबसेंट, सेफेलोकॉर्डेट में तो पूरी जिंदगी भर मिलती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इज अडल्ट एरोकॉर्डेट, नहीं, सिर्फ टेल में मिलता था, उसमें भी वैसा नहीं है। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और दो स्टेटमेंट हमारे सही है। बोलो क्लियर है ये बात? सिंपल लगी? आओ एनसीईआरटी देखते हैं। ये देखो, सबसे पहली बात, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स 100% मरीन होते हैं, जैसे इकानोडर्माटा, टीनोफोरा, ये सब 100% मरीन है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा के पूरे जिंदगी भर है, हेड से लेकर टेल तक। और यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जाम्पल सैड, सल्पा, एशिडिया और डोलियोलम, और सेफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। ये ध्यान रखना है हमें। चलो भाई, 43 सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से। कॉकरोच के उथीका में कितने होते हैं? 14 से 16 अंडे, और उथीका कितने होते हैं? तो टोटल 9 से 10 उथीका देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखो, एक एवरेज तौर पे फीमेल 9 से 10 उथीका प्रोड्यूस करती है, और एक उथीका में 14 से 16 अंडे होते हैं, और निम्फ को अडल्ट तक ग्रो करने के लिए 13 टाइम ग्रो करना पड़ता है, तब जाकर वो ग्रोथ वहां पे होती है। और ऐसे डेवलपमेंट को पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बोलते हैं, निम्फ से अडल्ट तक बनना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 44 फाइनल प्रोडक्ट जो डाइजेशन का होता है, उसको एब्जॉर्ब मेनली कौन करने का काम करेगा? तुम्हें बस ये बताना है।
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है मेनली। तो आंसर क्या लगाएंगे, टू, इंटेस्टाइन फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि अब इसके बाद कोई डाइजेशन वगैरह होता नहीं है, ठीक है, डाइजेशन जो भी होना था वो सब हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा हमारा, टू। देखते हैं एनसीईआरटी में जरा, ये देखो, अ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका मेन ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन यहां पर है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डाइजेशन तो यहीं तक हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन आगे वाटर का, कुछ मिनरल्स का, ड्रग्स का लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 तुमसे पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा लग रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के हिसाब से, हेनलीज लूप वासा रेक्टा, ठीक है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप सेम डायरेक्शन में थोड़ी होगा, तभी तो नाम रखा काउंटर करंट, अपोजिट डायरेक्शन, गलत है ये। कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, मेडुला में आओ तुम 1200 ऑस्मोलरिटी मिलेगी, और ह्यूमन किडनी के पास ये पावर है 4 टाइम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, ये बातें एनसीईआरटी की हैं, याद रखनी है हमें, ठीक है, दिखा रहा हूं तुम्हें, ये देखो, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स कंसेंट्रेट देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कॉर्टिक्स की ऑस्मोलिटी 300 और मेडुला की ऑस्मोलिटी 1200 तक हो जाती है, ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब इसके बाद अगली बात कि दो लिम जो वासा रेक्टा के होंगे और चाहे हेनलीज लूप, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो बोलते हैं काउंटर करेंट, और पूछेगा दो इंपॉर्टेंट रोल, तो बोलेंगे एनएससीएल और यूरिया ने ज्यादा से ज्यादा हमारे यूरिन को कंसेंट्रेट बनाने में मदद किया है, तो ये बात बस ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर का हॉर्मोन से मन जाएगा तो ये मन तो करेगा क्वेश्चन देने का। और देखते हैं जरा, सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, तो गॉल ब्लैडर वाला है ये। इसके बाद सेक्रेटीन की बात करें तो फिर पैनक्रेटिक जूस वाला है ये, गैस्ट्रीन, एससीएल और जीआईपी से तो चीजें ही रुक जाएंगे। तो तीन एक दो चार, आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, इसका लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना एनसीईआरटी में। अब यहां देखो, देखो ये वाला जो है ना, पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एएनएफ का तो काम तुम्हें ध्यान रहेगा ही रहेगा, एएनएफ का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करो, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है ना, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। अब जो किडनी का जेजी सेल है ना, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, पेप्टाइड हार्मोन, जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोपोएटिन, जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब जो जीआईटी है ना, वो टोटल 4 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, गैस्ट्रीन, सेक्रेटीन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जीआईपी। तो अभी चारों के फंक्शन यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इस चीज को बिल्कुल अच्छे से तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एक मॉस है जिसने पीट प्रोवाइड किया है, डैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, तो इसके बारे में बताना है किसके लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। सबको पता होगा किसके लिए, स्फैग्नम के लिए होती है, दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो, स्फैग्नम की बात करें तो पैकिंग मटेरियल के तौर पे, फ्यूल के तौर पे, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाता है इसलिए। और दूसरी बात, इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत कम है, कोई ज्यादा फायदा नहीं है इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल लेवल पे बात करें बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को बचाता है, जो बारिश हो रही है उससे मिट्टी कट नहीं पाती, मिट्टी पे एक डेंस मैट का फॉर्मेशन कर लेता है, और कहीं भी सक्सेशन होती है ना तो लाइकेन के साथ मॉसेस ही आते हैं, तो इसलिए कहते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है इसका एज कंपेयर टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। 48,
48। बड़ा सिंपल डायग्राम है, ए को मैं क्या बोलूं, टेल फाइबर्स, ठीक है, डी को क्या बोलूं, हेड, आंसर आ गया फर्स्ट। आगे बात समझ में, एनसीईआरटी देखते हैं, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम किसका है, बैक्टीरियोफेज, और ये किसका है, टीएमवी। याद रखने वाली बात कि जो टीएमवी है उसमें एसएसआरएनए है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। चार साइंटिस्टों के नाम जरूर याद रखें, डीजे इवानोवस्की, लुइस पाश्चर, एमडब्ल्यू बेजरनिक और डब्ल्यूएम स्टैनली। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन साइंटिस्ट के नाम तो जरूर याद रखें। और क्वांटिज्म वाइवम फ्लूडम एमडब्ल्यू बेजरनिक ने दिया। वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, ये स्टैनली ने बताया। वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकता है, इवानोवस्की ने बताया। और नाम वायरस देने का काम लुइस पाश्चर ने किया था। विच इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट लग रहा है तुम्हें, ये बताओ। ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, नहीं, क्योंकि हमें तो हेट्रोस्पोरस भी देखने को मिलेगा ना। अगर हम चलें सेलाजेनिला में, अगर हम चलें सेल्विनिया में, हेट्रोस्पोरस भी मिलता है, अजोला में हेट्रोस्पोरस भी मिलता है, ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखो होमोस्पोरस भी और हेट्रोस्पोरस भी, लेकिन पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट क्या, तो होमोस्पोरस, लेकिन सेलाजेनिला और सेल्विनिया क्या, हेट्रोस्पोरस। आई बात समझ में, तो पूरी टेरिडोफाइट्स नहीं मिलती हमें होमोस्पोरस। 50 नंबर, डाइकैरियोफेज और डाइकैरियन का जो फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वो किसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, डाइकैरियोफेज का ना, फाइकोमाइसिटीज का तो नहीं होगा, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज का होता है। बीच बीच में कुछ ऐसे स्टेज आ जाते हैं जिसमें टाइम लग जाता है ना, तो इसी को बोला जा रहा है यहां पे, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा, 4 चला जाएगा, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो 50 का आंसर है 4। जरा पेज नंबर तुम्हें दिखा दूं, ये देखो, नीट में पहले तो ये पूछे जाएंगे कि सीक्वेंस बताओ, तो पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर मियोसिस, ये हो गया। फिर पूछेगा डाइकैरियोफेज का आना किस में है, तो एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में है। किस में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, फाइकोमाइसिटीज में, तो ये हो गया। नेक्स्ट 51 पे आ जाओ, हाँ भाई क्या लग रहा है, एयर ब्लैडर दिख रहा है, बिल्कुल, फ्रंट दिख रहा है, मिडरिप दिख रहा है, होल्ड फास्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये डायग्राम के साथ साथ उस पेज पे बड़े सारे डायग्राम और भी हैं, ठीक है, ये देखो, नाम बोलना जरा, इसका नाम वॉल्वॉक्स, इसका इलोथ्रिक्स, फ्लैजलेटेड है इलोथ्रिक्स, लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, यही तो पूछा गया था तुमसे, लेबलिंग ध्यान रखना सबकी। और इसमें अगर बात करें परफायरा और ये पॉलीसेफोनिया। 52 अभी बोला था तुम्हें, 52 नंबर देखो जरा, पी आ जाए तो क्यों लगा देना, लाइकोप्सिडा सीला, टेरोप्सिडा टेरेस, सिलोप्सिडा सिलोटम, ए का 3 आ गया ना आंसर। 52 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, सबका आ रहा है। आओ एनसीईआरटी तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा सिलाजेनिला लाइकोपोडियम, अस्फेनोप्सिडा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा ड्राफ्टेरिस टेरिस और एडियंट, ये होगी बात।
इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से लग रहे हैं ये बताना है तुम्हें। हाँ जी क्या लग रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट है ना, पायरेनोइड्स आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। जब खुद ग्रीन के सारे एल्गी में नहीं है तो सारे एल्गी में कहां से होंगे? जिलेटेनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन, एल्जीन तो मिलेगा फियोफाइसी में और कैराजीन रोडोफाइसी में, तो ये तो सही लग रहा है। रोडोफाइसी में फ्लैजला की बात करोगे क्या? नहीं, फ्लैजला होती नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी वार्मर एरियाज में मिलते हैं, तो बी और डी यहाँ पे सही है। आंसर क्या चला जाएगा? टू, बी एंड डी चला जाएगा। ठीक है आओ दिखाते हैं तुम्हें। देखो एल्जीन तो समझ में आती है कि हमें ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो रोडोफाइसी में कभी भी मोटाइल स्टेजेस देखने को नहीं मिलते, और जहां तक बात रही पायरेनोइड्स के बारे में तो पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनोइड के सेंटर पे ना तुम्हें प्रोटीन मिलेगी और बाहर में तुम्हें स्टार्च मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर, सारे नहीं पायरेनोइड। जब खुद क्लोरोफाइसी के सारे मेंबर के पास पायरेनोइड नहीं है तो पूरी एल्गी को तो छोड़ ही दो। 54, 555 देख लो जरा, 555 देखो और तुम आराम से आंसर करो। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। सोलेनेसी में चाइना रोज आता है क्या? सोलेनेसी में ट्यूलिप आता है क्या? सोलेनेसी में मुलट्ठी आता है क्या? आंसर क्या जाएगा? टू। कई बच्चे सोच रहे होंगे एट्रोपा कहाँ है एनसीईआरटी में? एट्रोपा बेलाडोना है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एट्रोपा बेलाडोना, बेला सुगंधा, याद करो, बेला घोड़े बेचकर सो रही थी। आंसर क्या जाएगा? टू। आओ तुम्हें दिखाएं एनसीईआरटी। ये देखो अभी जस्ट दिखाया था तुम्हें, ये वाला 555 वाला याद रखना। ये सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस और ये एपिगाइनस। अब लगाओ क्या लग रहा है तुम्हें? प्लम रोज पीच का तो आइडिया होगा तुम्हें कि प्लम रोज पीच तो आता इसमें ही है। गुआवा, क्यूक्यूम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, आंसर जाएगा टू। एक बार मैं एग्जांपल्स रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना। हमारी एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज हाइपोगाइनस है और एनसीईआरटी ने तीन दिए हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। हाफ इंफीरियर में तीन याद रखने हैं, प्लम रोज पिच। एपिगाइनस में याद रखने हैं तीन, गुआवा, क्यूक्यूम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है तो 55 का आंसर क्या चला जाएगा हमारा? दो चला जाएगा। सिंपल है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए मैं एनसीईआरटी तुम्हें दिखा दूं, वो पेज जहां से क्वेश्चंस खूब आते हैं। ये वाला, ये पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना। एग्जांपल्स तो ही काम के हैं, वैसे लैंग्वेज अगर आ जाए तो वो भी हो सकता है, जैसे प्लम रोज पीच, गुआवा क्यूक्यूम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और बाकी मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और यहीं पे लिख लेना सुपीरियर में ऑल एनसीईआरटी फैमिली, सारी एनसीईआरटी की फैमिली सुपीरियर ही है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ आरईआर, अगर आरईआर ज्यादा है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे राइबोसोम सिचुएटेड होगा। लिखती है एनसीईआरटी इसको, देखो जरा, आरईआर प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ आरईआर जुड़ा या एसईआर जुड़ा, तो बोलेंगे आरईआर जुड़ा हुआ है। ये बड़ा खास है, देखो ना, न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसके साथ आरईआर इस तरीके से सिचुएटेड है। एसईआर तो बस निकला हुआ है इधर इधर से। ठीक है चलो नेक्स्ट, फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सेंट्रोमेयर कहाँ टूटेगा? माइटोसिस के एनाफेज में तो टूटता ही है, और यहां पे टूटता है इसमें। तो ये तो तुम्हें अभी जस्ट दिखाया था सेंट्रोमेयर वाला, ठीक है। अब अगर पूछेगा क्रोमैटिड का सेपरेशन और होमोलोगस क्रोमोसोम वाला, तो ध्यान रखना क्रोमैटिड का सेपरेशन कहीं भी पूछे ना तो एनाफेज मियोसिस टू में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक बार दिखाई देते हैं तुम्हें, ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं तुम देखो इसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड भी जो थे पहले वो भी अब सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 58, ये बड़ा अच्छा लैंग्वेज है। क्या लग रहा है? हाँ भाई क्या लग रहा है, क्या पूछा है तुमसे? ट्रू स्टेटमेंट ना, पहला देखो, एस फेज में अमाउंट डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ए सेल इन जीनोट फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। सेल डिविजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, बीच में डिस्टिंक्ट बाउंड्री तुम नहीं पता कर सकते, ध्यान रखना, गलत है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब डिसअपियर हो जाता है, सही बात है। देखो सेल डिविजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, तो बीच में तुम बाउंड्रीज नहीं खींच सकते कि अब लो प्रोफेज खत्म हुआ, अब मेटाफेज खत्म हुआ, अब एनाफेज खत्म हुआ, अब टीलोफेज खत्म हुआ, नहीं बता सकते तुम, ठीक है। तो यहां पर दो ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये हम लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं पेज नंबर 164 में, सॉरी 174। ये देखो मेटाबॉलिकली जो होगा ना यहाँ पे एक्टिव, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। और यहाँ पे दो बातें हैं कि सर हम एग्जिट लगाएंगे या सस्पेंड लगाएंगे, तो ज्यादा बेहतर टर्म जो है ना वो सस्पेंड है। एनसीईआरटी लिखती तो एग्जिट है लेकिन एनटीए मानता उसको सस्पेंड है, ये बात ध्यान रखना। एग्जिट ना बोलकर ज्यादा अच्छा क्या है, सस्पेंड। नेक्स्ट 59, हाँ भाई बोलो जरा क्या लग रहा है। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, सिंपल क्वेश्चन है, वर्नेलाइजेशन, क्या है वर्नेलाइजेशन, यही वाला तो क्वेश्चन है। लो टेम्परेचर से फ्लावरिंग करवा देना वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन आता रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं है, मतलब पूछा इनमें से कौन सा मैक्रो है। तो मैक्रो का ट्रिक क्या था, चांस पाके मांगे कार, आ जाएगा हमारा आंसर क्या, मैग्नीशियम आ जाएगा। बोलो 60 का टू आ रहा है सबका। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 61, द मोर द सॉलिड पोटेंस मॉलिक्यूल द लेस द सॉलिड पोटेंशियल, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर प्योर वाटर में सॉलिड को डिजॉल्व करवाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होने लगेगी, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। आ रहा है सबका आंसर टू, क्या मैंने बोल दिया, पहला गलत है ना यार, आंसर थ्री जाएगा यार, टू नहीं जाएगा, आंसर क्या जाएगा, थ्री। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज तुमको कहां देखने को मिलेगी, इस पेज को एक बार अच्छे से देख लेना, पेज नंबर 189, ये वाला जो पेज है ना, इस पेज में यहां पे सॉलिड पोटेंशियल वाली बात की गई है
कि जितना ज़्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल मिलाओगे उतना ही कम सॉलिड पोटेंशियल होगा, ठीक है। और किसी प्योर वाटर में तुम सॉलिड डिजॉल्व करवाओगे तो फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, फ्री एनर्जी, वो घटने लगेगी। 62 इनकरेक्ट पूछ रहा है ग्रीन एल्गी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में इनकरेक्ट पूछा है, तो लगाओ आंसर क्या लग रहा है तुम्हें। मेम्ब्रेनस नहीं, म्यूसिलेजेनियस सीड बोलो चाहे जिलेटिनियस सीड बोलो, मेम्ब्रेनस सीड नाम की कोई चीज यहां पे एग्जिस्ट करती नहीं है। एनसीईआरटी दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो ये म्यूसिलेजेनियस सीड है, मेम्ब्रेनस सीड नहीं है, चाहे दूसरा नाम बोलेंगे जिलेटिनियस सीड। और याद रखना नॉस्टोक और एनाबेना के पास हेट्रोसिस्ट होता है और सिलिटोरिया के पास हेट्रोसिस्ट नहीं होता है, मतलब सारे के सारे ब्लू ग्रीन एल्गी के पास हेट्रोसिस्ट नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन है? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और इसका एक और नाम है ट्रू बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, एनुअल रिंग जिसके स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, तो एनुअल रिंग में हमें स्प्रिंग वुड मिलेगी और ऑटम वुड मिलेगी, रिंग उसका देखने को मिलेगा। तो स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड तब जाकर तैयार हो जाता है तुम्हारा एक एनुअल रिंग, यहां पे तैयार हो जाता है, ठीक है। और दिखाते हैं तुम्हें एनुअल रिंग की बातें कहां एनसीईआरटी में है, देखो जरा एनुअल रिंग। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जब मिलती हैं तो एनुअल रिंग तैयार हो, इसी को एक एनसीईआरटी करे द टू काइंड्स ऑफ वुड, है ना, एनुअल रिंग। इससे तुम्हें पेड़ की ट्री पता चल जाएगी, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये ना अच्छे से पढ़ लेना हार्डवुड सैपवुड के बीच में डिफरेंस और स्प्रिंग वुड ऑटम वुड काम का है ये। 64 ये डायग्राम देखो गौर से जरा, पहले ये डायग्राम किस कौन से प्लेसेंटेशन का है, तो बीच बीच में एक्सिस आ रखी है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, चाइनारोज टोमैटो लेमन, चाइनारोज टोमैटो और लेमन, ये जितने भी स्पेस पे डायग्राम है ना, ये सारे डायग्राम तुम्हारे टिप पे होने चाहिए। ये वाला पहला मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पेराइटल, चौथा फ्री सेंट्रल, पांचवा बेसल। और पांचों के एग्जाम्पल्स बड़े जरूरी हैं, पहले का एग्जाम्पल पी, इसका एग्जाम्पल चाइनारोज टोमेटो लेमन, तीसरे का मस्टर्ड और आर्जमन, और चौथे का डायंथस प्राइमरोज, और इसका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। बस इतने एग्जाम्पल टिप पे रखने हैं तुम्हें। और एपोकार्पस सिनकार्पस के एग्जाम्पल, सिनकार्पस में तीन है पेपेवर मस्टर्ड टोमेटो, एपोकार्पस में तीन रोज लोटस माइकेलिया, बस यही याद रखना है। 65 मेटाफेज के बारे में कौन सा तुम्हें करेक्ट इवेंट देखने को मिल रहा है, मेटाफेज के बारे में बताना है। आओ देखते हैं जरा, काइनेटोकोर से जुड़ना मेटाफेज का ही है, स्पिंडल इक्वेटर की तरफ जाना, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन बोलो या कंप्लीट कंडेंसेशन क्रोमैटिन फाइबर का ही होता है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिट तो एनाफेज में होगा ना, तो ये तो गलत है। तो ए बी सी चल रहा है यहाँ पे, आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा? 4। ये बात मैंने कई बार आज तुमको बताई, शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, सेंट्रोमेयर स्प्लीट एनाफेज में होता है। अगर यही चीज पूछे मियोसिस टू में होता है, फिर बोलेंगे मियोसिस टू के एनाफेज टू में, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना ये। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखते बच्चे सोचते हैं कि भाई लाइसोसोम कहाँ है ऑप्शन में, लाइसोसोम को बनाया किसने, ये तुमसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम के बारे में, ये तुमसे पूछ रहा है कि लाइसोसोम को बनाया किसने, तो लाइसोसोम को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? गॉल्जी एपरेटस की है।
देखो जैसे ये मैंने क्या निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर कौन था, 66 है ना, एक सेकेंड, ये देखो लाइसोसोम को किसने बनाया, गॉल्जी एपरेटस ने बनाया, ये बात ध्यान रखते हैं। और गॉल्जी एपरेटस का ना दो काम और है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना, ये बड़ा काम का चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो बार नीट में ऑलरेडी ये डायग्राम आ चुका है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसमें, ए में एंजाइम नहीं है, ठीक है, बी में एंजाइम है, सी में बोला जा रहा है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लगाना, और यहां से जब भी रिएक्शन चलेगी तो एनर्जी रिलीज होती है, तो हमें ये चीज नहीं पता चल रहा है यहां से, इस बात का ख्याल रखना, हमें यहां से इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात नहीं पता लगती है, यहां से देखते हैं एक बार, ये देखो डायग्राम, विदाउट एंजाइम तो देख सकते हो तुम कितना ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ा, एंजाइम के साथ है तो नीचे से ही काम हो गया हमारा। अब यहां पर चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक की ही बात हम करते हैं, हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, मतलब ओवरऑल केस जो चलेगा ना वो एक्सोथर्मिक ही चलेगा, इस बात का ख्याल रखना। पानी के एपोप्लास्टिक मोमेंट ऑफ वाटर के साथ बताएंगे जरा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, इट इज द सिस्टम ऑफ ओनली एडजेसेंट प्रोटोप्लास्ट, तो ये बातें तो सिम्प्लास्ट के बारे में है, एपोप्लास्ट लो नहीं है, मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बात यहां पर सही है क्योंकि वो तो सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस से होकर जाता है। और ये बातें किसके बारे में है, एनसीईआरटी लिखती है बातें हाइड्रिला के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज हमें देखने को कहां मिलेगी, ये चीज हमें देखने को मिलेगी हाँ भाई, ये चीजें देखो यहां पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है, अब ये जो अंदर से जा रहा है ना वो सिम है, जो बाहर से जा रहा होता है वो एपो है, ठीक है, तो एपोप्लास्ट को कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना नहीं पड़ता, एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। और यहां पे हाइड्रिला वाली बात लिखी हुई है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल्स ऑफ हाइड्रिला लीफ, तो सिम्प्लास्ट के लिए वो बात सही है, एपोप्लास्ट के लिए वो बात गलत है। 69 जल्दी करो भाई, क्या लग रहा है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्या पूछा है इसमें, कौन से स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट लग रहे हैं तुम्हें, देखते हैं। पहला, इन लीव्स बंडल सीथ सेल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई सीफोर प्लांट, सीफोर प्लांट में बंडल सीथ सेल का ना बड़ा खास प्रॉपर्टी, पहला तो सही लग रहा है। मेसोफिल सेल्स इन C3 प्लांट्स आर रिच इन पेप्टाइड्स, मेसोफिल सेल में C3 में पेप्टाइड्स की बात क्यों करोगे, ATP और NADPH सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता, टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्टेड डार्क रिएक्शन है क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट, इन हाई लाइट इंटेंसिटी क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स अलाइन देयर फ्लैट सरफेस इन परपेंडिकुलर, पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो खत्म हो जाएगा। इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू RuBP एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड, बनती है चीजें यहां पर ग्लाइकोकोलेट वगैरह,
तो ये वाला सही है, तो ए और ई बस यहां पर सही है। आंसर क्या चला जाएगा 69 का? 3। एनसीईआरटी में ना एक C3 और C4 प्लांट के बीच में चार्ट है, वो चार्ट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बार मैं तुमको दिखा दूं, देखो ये जो फोटोसिंथेसिस वाला है ना, कम से कम इसमें C3 C4 अच्छे से कर लो, ठीक है। C3 C4 जो है ना, जैसे क्रायंज एनाटॉमी वाली बात हो गई, और ये वाली डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैच एंड स्लैक, और मैं ये कह रहा था ये वाला चार्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या लग रहा है? डिप्लॉन्टिक पूछा है ना, तो जिम्नो के पास भी है, एनजीओ के पास भी है, और फ्यूकस के पास भी है, ठीक है ना। टोटल चार आएंगे, आंसर आ गया सबका 70 का 1। ध्यान देना, हैप्लॉन्टिक पूछेगा बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, डिप्लॉन्टिक पूछेगा एग्जांपल बताया जिम्नो एनजीओ और फ्यूकस, पूछेगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक ब्रायोटेरिडो एक्टोकार्पस पॉलिसिफोनिया और केल्प्स, ये याद रख लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लाइफ साइकिल वाले। चलो भाई 71 सिंपल क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बोला है? रॉन्गली मैच ना, स्लाइम मॉल्ड सैप्रोफिटिक सही है, इग्लेनोइड फ्रेश वाटर में होते हैं। 71 का 2 जाएगा, इग्लेनोइड फ्रेश वाटर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोस्टोम्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बताना है। दे आर पेयर्ड फिन्स? ना, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, पहला गलत। सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, ठीक है। 6 से 15 पेयर गिल्स के होते हैं, ठीक है। दे माइग्रेटेड डूप्स डीप सी, फ्रेश वाटर में जाते हैं, डीप सी में क्यों जाएंगे? बी और सी यहां पे सही है। आंसर क्या? 2 आ रहा है सबका। ये तुम साइक्लोस्टोमेटा वाले पैराग्राफ में पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। पेज नंबर 56, पेज नंबर मैं लिख लेता हूं, उसको सर्च कर लेना, टाइम नहीं तो ज्यादा लग रहा है। पेज नंबर 70, पेज नंबर 56 में देख लेना, 11th के, सब 11th का ही आज का क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट 73, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो। निडेरिया है? हाँ है। पॉलीफॉर्म में है, और इलिया का नाम तो जेलीफिश तो है, क्या ये पॉलीफॉर्म में है? तो यही चीज यहां पे गलत हो गई, ये पॉलिप ना होकर ये मेडुसा है, क्योंकि अम्ब्रेला वाला है, फ्री स्विमिंग होता है ये। ये निडेरिया का नहीं है, ये पॉलीफेरा का है। एस्केलमेंथिस तो है ये, मस्कुलर फेरिंग्स भी स्यूडोसोलमेट, ये तो सही लग रहा है। ये मेंबर मोलस्का का है, क्योंकि ये ऑक्टोपस तुम्हें दिख रही है। 73 का आंसर क्या जाएगा? 3। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किसमें होती है? तो टीनोफोरा में। टीनोफोरा का मेंबर कौन है? प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, जहां रिप्रोडक्शन का सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ही तरीका है। बोन के बारे में पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा तुम्हें लग रहा है बोन के बारे में? मैट्रिक्स हार्ड है, हाँ, सॉलिड है, प्लेबल नहीं होती, नॉन प्लेबल होती है बोन तुम्हारी। बोन तुम्हारी कैसी है? नॉन प्लेबल। बोन की बात करोगे तो ऑस्टियोसाइट की बात करोगे, कॉन्ड्रोसाइट की बात क्यों करोगे? एट वेरी फ्यू लोकेशंस इन वर्टेब्रेट्स कार्टिलेज रिप्लेसमेंट आकर बाई बोन, कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट हुआ है। फ्यू लोकेशन की बात यहां पर जो बोली जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। कहीं हमारे बॉडी में कार्टिलेज है, मतलब हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम सिर्फ बोन का नहीं बना है, कार्टिलेज का भी बना हुआ है। नाक के टिप पे कार्टिलेज है, नेजल सेप्टम कार्टिलेज है, यहां पे कार्टिलेज है, यहां पे कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर गलत है। एनसीईआरटी में तुम्हें दिखाता हूं ये चीज, थोड़ा एनसीईआरटी से देखने लायक है ये। ये देखो, बोन हार्ड होते हैं, नॉन प्लेबल होते हैं, कौन सी सेल है? ऑस्टियोसाइट है। अब यहां पर
मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाई बोन्स इन अडल्ट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस। ठीक है, अब यहां पर देखो, एट वेरी फ्यू लोकेशन इन वर्टेब्रेट, तो ये चीज गलत है। वर्टेब्रेट कार्टिलेज रिप्लेसमेंट अगर बाई, तो ये चीज यहां पर गलत बताई गई है। तो पहला सही है यहां पे। 76, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ जल्दी से। ये तीन जंक्शन है, टाइड, एडेरिंग और गैप, कहां मिलते हैं? एपिथेलियल। मैं तुमसे बोलूंगा कॉम्युनिकेशन, तुम बोलोगे गैप। मैं बोलूंगा लीकेज, तुम बोलोगे टाइट। मैं बोलूंगा तुमसे सीमेंटिंग टूगेदर, तुम बोलोगे एडहेरिंग। ये सब ट्रिक हैं जो हमें ध्यान रखना है। सिम ट्रिक क्या, सिंपल वर्ड याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाइट, स्मेल, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तुम किसी को देखते हो, जैसे काजू कतली तुमने देखा, सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट। सलाइवरी अमाइलेज काम 6.8 पे करता है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन सलाइवरी अमाइलेज का 6.8 पीएच पे काम करना और सलाइवा का निकलना, कोई तो रिलेशन है नहीं, क्योंकि ये न्यूरल रिफ्लेक्स के कारण ऐसा हो रहा है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये चीजें तुम एनसीईआरटी में 264 पेज नंबर पे देख पाओगे। 78, अच्छा क्वेश्चन है, करो। हाँ भाई, जल्दी से लगाओ, क्या लग रहा है? व्हाट विल हैपन, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं तुमसे पहले। ऑक्सेंटिक सेल क्या निकल रहा था? एससीएल। एससीएल नहीं रहेगा तो जितने भी प्रोटीन वाले एंजाइम हो वो इनएक्टिव रहेंगे। प्रोटीन विल नॉट बी डाइजेस्टेड इन स्टमक, ध्यान रखना। ठीक है, 79, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। क्या पूछ रहा है तुमसे? एबीसीडी का पूछ रहा है ना। यहां का जितना होगा ना, उसी के आसपास यहां का भी होगा, 104 mmHg। ये एनसीईआरटी में देखने लायक है, एनसीईआरटी में देखते हैं इसे। ये देखो, यहां का 104 है, यहां का भी करीब करीब 104 के आसपास ही होगा। और नीचे में देखोगे तो याद रखना, सिस्टेमिक आर्टरी का ये दे रखा है, सिस्टेमिक वेंस का ये दे रखा है। डेटा कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डेटा ये वाला पूछा गया है एग्जाम में, तो कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 80, कंडीशनल बताओ कौन है? डीसीटी है ना, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, बी का 4, एक ही ऑप्शन ही है, और सारे मैच कर लो एक बार। पीसीटी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन यही होती है। हेनलीज लूप कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने का काम है। सीसीएम, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा 2। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, सबके काम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्या पूछा है? करेक्ट कितना है ना, सबसे पहले 5.5 से, तो ये गलत है, मिलियन आएगा यहां पे। मोस्ट अबंडेंट सेल्स ब्लड का आरबीसी है। ह्यूमन आरबीसी राउंड एंड बाई कॉनकेव है। एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन, तो एक ही तो सही है, बाकी सब गलत है। और ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी कौन है? तो बोलेंगे स्प्लीन। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड किस में देखने को मिलेगा? तो जहां इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, वो कहां मिल रहा है? एम्फीबिया में। आंसर चला जाएगा 82 का 2। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है तुम्हें? इनकरेक्ट, हार्ट अटैक, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज्ड, 130/90 इज हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन बोलेंगे ना इसको। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट जो होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्स बिटिंग, हार्ट फेलियर दिल को जितना सप्लाई करना था उतना कर नहीं पा रहा। एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, आंसर चला जाएगा 2,
क्योंकि हाइपरटेंशन है ये। फिर 140/90 है, वो तुम्हारे किडनी ब्रेन ये सब खराब कर सकता है। ये वाले लाइन में बच्चे बहुत फंसते हैं, वेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब रेस्टिंग स्टेट में है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होगा वो कंपैरेटिवली किसके लिए परमेबल होगा, तो मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड इम्परमेबल लगभग लगभग नियरली सोडियम आयन के लिए। ये तुम्हें एनसीईआरटी में दिखाता हूं मैं, वेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब रेस्टिंग स्टेट में अगर है तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। ये वाली बात याद रखनी है, और पूछे आगे कितना सोडियम और कितना पोटेशियम, तो याद रखेंगे 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि इन आई द विजुअल एक्यूटी इज ग्रेटेस्ट एट, सबसे ज्यादा तुम्हें कहां पे पिक्चर दिखाई देगी, बिल्कुल सही से विजुअल एक्यूटी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, फोविया सेंट्रलिस के पास सबसे ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। देखते हैं जरा, ये देखो फोविया, ठीक है, वेयर द विजुअल एक्यूटी या रेजोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कोन्स हैं, यहां पे रॉड्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोविया रेटिना का थिन डॉट पोर्शन है, बहुत पतला सा पोर्शन है, क्योंकि रॉड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोन्स है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तुमसे, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है, आगे ना बात समझ में, आंसर जाएगा पहला, वेस्टिबुलर एपरेटस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मूवमेंट। वेस्टिबुलर एपरेटस इनर ईयर का पार्ट है, और एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव को तो रिसीव करेगा, राउंड विंडो को डायरेक्ट कैसे भेजेगा, ओवल को भेजेगा ना। 87 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं आती, सार्कोमेयर डिक्रीज तो होगा ही, एटीपी ब्रेकडाउन होगा, एच जोन में भी चेंज आएगा, तो ई वाला तो गलत है, बाकी ए बी सी डी सही है, आंसर जाएगा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुमने एज इट इज ये चीजें अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को एनसीईआरटी में लिख लेना, यहां पे कर लेना एच जोन भी चेंज होगा, बस ये वाली चीज। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 88 ट्रू या फॉल्स तुमसे पूछा है। क्या लग रहा है, और देखते हैं जरा। पहला, थायरोकैल्सिट्रोनिन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम लेवल करेगा, ब्लड ग्लूकोज तो इंसुलिन और ग्लाइकोजन मिलकर करते हैं, पहला तो गलत है। आगे, ऑक्सीटोसिन बर्थ के टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, थायरॉयड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा तो ग्रेव्स डिजीज होगा। एडीएच का काम रहेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा डीसीटी से, फिर कलेक्टिंग डक्ट से, तो यूरिन प्रोडक्शन तो कम कर देगा ना, डिक्रीज कर देगा, गलत है, 2 और 3 सही है। हाँ भाई, आंसर जाना चाहिए 88 का 3, आ रहा है सबका, 88 का आंसर जाएगा 3। बड़े अच्छे अच्छे लाइन एनसीईआरटी में है, इनका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, ये लगाओ तुम, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, पहले तुम लगाओ फिर दिखाऊंगा तुम्हें एनसीईआरटी। प्रोजेस्टेरोन एक्ट्स ऑन मैमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई एंड मिल्क सिक्रीशन, क्या लग रहा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। एडीएच का काम डीसीटी पे चलेगा ही, कलेक्टिंग डक्ट पे चलेगा ही। कई बच्चे यहां पे सोच लेते हैं मैमरी ग्लैंड की बात है, प्रोजेस्टेरोन क्यों होगा,
मिल्क सिक्रेशन की बात है तो प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, नहीं। ये लाइन को गौर से पढ़ो तो मैं एनसीईआरटी की लाइन दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन तो मैं दिखा रहा हूं, तब तुम्हें पता चलेगा। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन द मैमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई, कुछ याद आ रहा है? यही तो अभी था स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 19, एबीसी, तीन यहां पे चीजें हैं, अंदर की तरफ नहीं आ पाया है वो, बस मैसेज अपना छोड़ रहा है वहां पर, तो बताना है वो कैसा रहा होगा इसके बारे में। वो प्रोटीन वाला रहा होगा तभी तो अंदर इजाजत नहीं मिली, बी कहीं ना कहीं रिसेप्टर रहा होगा और सी मैसेज के रूप में पहुंचा रहा होगा, तो 90 का आंसर आएगा 2। डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में, जरा एनसीईआरटी पेज नंबर 340, ये देखो, ये एक पेप्टाइड हार्मोन था, रिसेप्टर पे ही आकर सेट हो गया, आगे सीएमपी के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। लेकिन वहीं अगले डायग्राम को देखो, ये एस्टेरॉयडल था, डायरेक्ट अंदर शिकार मारा है, देख रहे हो 91। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के साथ रिलेटेड है। कई बच्चे ऐसे लगता है कि ये लाइन कहां पे लिखी हुई है, ये जरा देखते हैं, ये लाइन देखना जरा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और प्राइमरी स्ट्रक्चर, चल गया ना पता, यहां पे जहां पे ये वाली स्ट्रक्चर है ना, इसके पिछले पेज पे जाओगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वाली लाइन मिल जाएगी। 92, ये तो सिंपल सा रूट है स्पंजिला का, ओस्टिया से एंट्री, स्पंजोसिल में ठहरना, ऑस्क्यूलम से निकलना बाहर की तरफ। ओस्टिया कई सारे होते हैं, ऑस्क्यूलम एक होता है, ओस्टिया छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्पंजोसिल बीच की कैविटी है, सेंट्रल कैविटी। 93, टीनोफोरा में तो कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सेक्सुअली होगा और इनडायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वल स्टेज तो बनते ही बनते हैं, एक बार लाइन देख लेना जरा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा बनेगा ही। कॉम्प्लेक्स का काम लोकोमोशन में, होते कितने हैं, 8 हैं। बायोल्यूमिनेसेंस लाइट को एमिट करने का प्रॉपर्टी, और एग्जांपल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, और एक्सक्लूसिवली मेराइन है इकैनोडर्मैट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स की तरह। 94, बोन और कार्टिलेज, इनको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। कौन से कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 94, इसके पहले कार्टिलेज भी लिखा हुआ है, ये देखो कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। करेक्ट पेयर बताओ कॉकरोच का, कॉकरोच का करेक्ट पेयर कौन सा लग रहा है? टेस्टिस है, 2 से 4 तो नहीं होगा, बोलो 2 से 4 तो नहीं होगा ना, 4 से 6 में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये तो साफ यहां पर गलत ही है। अब जरा एनसीईआरटी में देख लें कि पेज नंबर इसकी कितनी है, पेज नंबर 100, देखो 4 से 6 है ना, 2 से 6 नहीं है, वो गलत है। 6 से 7 पे मशरूम शेप्ड ग्लैंड देखने को मिलेगा, अब ये बात तुमको समझ में आ रही होगी। तो करेक्ट पेयर तुमसे पूछा था ना, तो आंसर जाएगा क्या, 2। पहला तो साफ गलत है, टिटलेटर राइट फेलोमेयर सब अलग अलग चीजें हैं, करेक्ट पेयर हमारा आंसर क्या जाएगा, 2। 96, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स जो होती है
इनको क्या बुलाते हैं? तो सबसे पहले तो इनको कैलोबैक्टेरॉन लैक्टियल में डाल दिया जाता है, पहले ब्लड वेसल में थोड़ी डालते हैं, ब्लड तो यही डालते हैं, ठीक है। इसका देखो, देखो दे आर रीफॉर्म्ड इन अ वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल, नाम क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स, विच आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द लिम वेसल, लैक्टियल में डाल देते हैं उन्होंने, और लिम वेसल फिर उन्हें ब्लड स्ट्रीम में डालने का काम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान रखना है इसका। लास्ट के चार क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 97, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन बताना है यहां पर, कौन सा ऑप्शन लग रहा है करेक्ट। बोलो भाई, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर में लंग्स डैमेज में सीरियस देखने को मिलता है। देखो इन्फ्लेमेशन से एनीमिया नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन से वहां पे अगर बात करें ऑक्यूपेशनल में, तो इन्फ्लेमेशन से वहां पे फाइब्रोसिस हो सकती है, ग्राइंडिंग वर्कर्स में तो होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होगा, ठीक है। दिखाता हूं मैं तुम्हें, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में होता है ये चीज, इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फाइब्रोसिस हो जाती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। 98, लो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, तीन बातें तो बस तुम्हें देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स। जैसे देख लिया दही, आंसर लगा दिया फ्लोरा, है ना, ये एनसीईआरटी में सबने देखा ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स, तो हम क्या लगा देंगे आंसर, फ्लोरा। अब बोले एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ। पूछे साइंटिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मैनुअल और मोनोग्राफ इस्तेमाल करेंगे टेक्सोनोमिस्ट। 99, और देखते हैं जरा इसको, समझना इसको, एक एक चीज को अच्छे से कैसे बोला जा रहा है। एल्बुगो एस्कोमाइसिटीज का है क्या, फाइको का, अरे मैच करना है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैच करना है यार, ठीक है। एल्बुगो को फाइकोमाइसिटीज के साथ, फाइकोमाइसिटीज ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट पे, AC1, यही तो एक लग रहा है, AC1 यहां भी है, AC1 यहां भी है, AC1 यहां भी है, गजब। अगैरिकस बैसिडियोमाइसिटीज, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसिलियम, तो वैसे तीनों हैं। एडिबल फंगस की बात करूं, एडिबल तो हैं इसमें भी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब देखना पड़ेगा। 2A4, 2A4 कभी पॉसिबल ही नहीं है, हटाओ, क्योंकि अगैरिकस कभी एस्को में आएगा ही नहीं। 3D3 पॉसिबल है क्या, 3D गलत, अगैरिकस आता है बैसिडियो में। 1C1 पॉसिबल है, 2A3 पॉसिबल है, 3D4 एस्परजिलस कैसे आएगा यार इसमें, एस्परजिलस की जगह पे अगैरिकस आएगा ना, 3D4 तो यहां पे भी गलत है, ये भी गलत हो गया तुम्हारा। 4B2 ठीक है, 2D4 ठीक है, 1C1 ठीक है, 3A3 हाँ ये सही है तुम्हारा, चार नंबर जो है ना ये सही है तुम्हारा, आ रहा है सबका चार नंबर, बोलो चार नंबर आ रहा है, हाँ भाई आंसर जाएगा चार तुम्हारा। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 100, आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, लगाओ। क्या पूछा, इनकरेक्टली मैज ना मैग्नीशियम क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, साइटोक्रोम्स की अगर मैं बात करूं ठीक है, आयरन से रिलेटेड और कैटालेज भी उसी से रिलेटेड है। मैग्नीज वाटर स्प्लिटिंग तो तीन है, मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, और यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन के लिए बोरोन आना चाहिए, ना कि फास्फोरस की बात होगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ना ये वाला पेज अच्छे से याद कर लेना, ये वाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, आज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है ना।
तो इसी के साथ आज हमारा टोटल ये 100 कॉन्सेप्ट हो गया। सिर्फ हमने आज 100 कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, आज हमने करीब करीब 500 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। जिस भी बच्चे को मन है रिवाइज करने का, तो एक बार इस वीडियो को 2x पे चला सकते हो और चीजों को फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो अभी हमने जो कुछ भी सीखा है 2 घंटे में, उसको आराम से तुम समराइज कर सकते हो। अब तुम्हारे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा, क्या वो सुन लो पहले। इस सेशन को खत्म होने के बाद, 1 से 2 मिनट में ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद कमेंट में तुम्हें फीडबैक देना है कि जब अगली क्लास में, कल तो क्लास 12th बायोलॉजी की कंप्लीट होगी, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या है तुम्हें ठीक लग रहा है, इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें घटानी है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बताओगे। ठीक है, मैंने अपने तरफ से इसमें एफर्ट लगाया था तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आज तुम देख रहे हो गले में भी काफी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो आज बोल नहीं पाया ज्यादा जोर से कुछ भी, तो समझ में आई होगी तुम्हें सारा का सारा चीज, इसमें समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा लगा मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो तुम। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं हम लोग रात को 9 बजे, कंप्लीट 12th की बायोलॉजी हम लोग करेंगे, कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, और अपने चाहने वालों का भी कमेंट प्लीज जरूर करना। ठीक है।